तशरीफ रखिए। इमाम साहब आप भी आ जाए, यहाँ बाज़ हवालों की तलाश में आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, अगर ज़रूरत पड़े मतलब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इब्तदाई कार्रवाई हो चुकी है मुकम्मल, फिर शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहला सवाल हुज़ूर, जनाब ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब ईस्ट हैम से है। जनाब ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब ईस्ट हैम। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर खुलफाए राशिदीन तक जी कौन सा फ़िरका इस्लाम था? मुख्तलिफ हुए हैं, एक तो नहीं रहा। खुलफाए राशिदीन के दौर से अब तक या खुलफाए राशिदीन के दौर तक? जी दौर तक कह रहे हैं आप? जी जी हम माफ करें मैं गलत समझा था। जी एक ही इस्लाम था, कोई फ़िरका था ही नहीं। कोई फ़िरका था ही नहीं, तो अब ये कैसे पैदा हुए? ये तो सारा तारीखी अमल है जिसके दौरान रफ्ता रफ्ता फ़िरके बढ़े हैं, और उसकी वजह आप खुद बयान कर चुके हैं। जी खुलफाए राशिदीन के दौर तक हिफाजत थी अल्लाह ताला की, और कोई फ़िरका बन सकता ही नहीं था, क्योंकि जो भी मसाइल पैदा होते थे खुलफाए राशिदीन उसका हल फरमा देते थे। इसलिए हज़रत अक़दस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या खुलफाए राशिदीन के ज़माने में इख्तलाफात तो हुए हैं, मगर इख्तलाफात फ़िरके नहीं बन सके। जब मरकज़ी अथॉरिटी ऐसी ना रही जिसका फ़ैसला सबको काबिल कबूल हो, तो फिर उलमा ने अपनी अपनी डेढ़ इंट की मस्जिद बनानी शुरू कर दी, जिसके जहन में जो माने आए उस पर अड़ गया। कोई और उससे बाला ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, यानी उसके नज़दीक, जो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई और फ़ैसला दे सके। किसी और आलिम ने इख्तलाफ किया तो वो एक फ़िरके का सरबरा बन गया। इस तरह रफ्ता रफ्ता फिर जो तफरीक का अमल शुरू हो जाता है ये आगे बढ़ता रहता है। शुक्रिया। हुज़ूर दूसरा सवाल जनाब तालिब हुसैन साहब हैरो का है। जनाब तालिब हुसैन साहब तशरीफ। साथ आपने क्या लगाया है? जनाब तालिब हुसैन साहब फ्रॉम हैरो। हैरो हज़ूर, पहले तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कश्मीर में दफन हैं, तो सिर्फ ये पता करना चाहता था कि वहाँ वो कैसे पहुँचे, नंबर एक। और दूसरा मेरा सवाल हज़ूर ये है कि जो कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाए जाने को रफ़ा का जिक्र यानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इसका मतलब दर्जे की बुलंदी है या कि वाकई वो आसमान पर उठा लिए गए? और दूसरे तीसरा सवाल यह है कि हज़रत, पहले इन दो का हल ना कर लें फिर आप। मेरा ख्याल यह है कि मैं तीन सवाल कर दूँ मैं चला जाऊँ। ना ना मेरी ख्वाहिश है आप यहीं खड़े रहें। अच्छा जी, आमने सामने बात हो। ठीक है ना। बात यह है कि जो पहला सवाल है उसका दूसरे सवाल से भी एक ताल्लुक़ है जनाब। अमूमन आपका अकीदा तो मैं नहीं जानता, मगर अमूमन वो गैर अहमदी उलमा जो जमात से इख्तलाफ़ रखते हैं जी, वो ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंच गए। दुरुस्त, मगर साथ ये भी मानते हैं कि आसमान पर पहुंच गए। तो मैं पूछता हूँ, कश्मीर दूर है कि आसमान दूर है? सही है। जिस खुदा ने उनको कश्मीर पहुंचा दिया जी जी, वही खुदा है जो आसमान पर भी पहुंचा सकता था। ठीक है जी। और जो आसमान तक उठा कर ले जा सकता था, कश्मीर तक जाना ले जाना मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है। लेकिन कश्मीर तक जा पहुंचना एक तबी अमर है जनाब। उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ें भी तो कश्मीर पहुंची थी। ठीक है जी। यानी तमाम वो 10 कबीले बनी इसराइल के जी, जो बनु कद नज़र के ज़माने में देश निकाला मिलने की वजह से अपने वतन से जुदा हुए और बाहर फेंक दिए गए जी,
वो कबीले हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान का रास्ता अख्तियार किया और कश्मीर भी पहुँचे और मगरबी मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं जी। इसके खिलाफ आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी कि ये दावा गलत है कि ये बनी इसराइली लोग हैं। अच्छा। इस और उनके फीचर्स बताते हैं, आप ख़ुद उनको पहचान सकते हैं, पठान तर्ज है और जो कश्मीरी तर्ज है जी जी, इनका रंग रूप, इनके नकूश की तीखेपन सब बनी इसराइली अंदाज हैं। ठीक है जनाब। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट से इनकी शक्ल सूरत का ताल्लुक कोई नहीं नहीं मिलता जी, बिल्कुल दुरुस्त है जी। तो कश्मीर पहुंचना तो कोई मुश्किल मरहला नहीं। ठीक है जी। आसमान पर पहुंचना भी हरगिज़ मुश्किल नहीं अगर अल्लाह ये फरमाए जी कि मैंने पहुंचा दिया। ठीक है जी। इसलिए मुमकिन नामुमकिन की बहस नहीं उठ रही जी जी। आसमान के ताल्लुक में मैं ये नहीं कहता कि आसमान कैसे पहुँच गए, अल्लाह चाहे तो पहुँचा सकता था मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं है जी। हजूर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि रफा का मतलब मैं इसी पे आ रहा हूँ, जो फरमाया है वो आयत है बल रफाहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसका अपनी तरफ रफा फरमा लिया जी। ये लफ्जी तर्जमा है जिसके लफ्जी तर्जमा होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम मुखालिफीन अहमदियत उलमा भी 100% इस तर्जमे पर मुत्तफिक हैं, ये एतराज़ नहीं करते कि तुम कोई गलत तर्जमा पेश कर रहे हो, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया जी। इसके माने क्या हैं इस पर गुफ्तगू चलती है जनाब। अब हम ये कहते हैं कि अपनी तरफ से उलमा का ये तर्जमा करना कि चौथे आसमान पर उठा लिया, ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह कई वजूहात हैं। अव्वल तो ये कि इसका मतलब ये होगा कि खुदा चौथे आसमान पर था और वहाँ नहीं था जहाँ मसीह मौजूद थे। जनाब वाज़े बात है, अगर एक तरफ से कोई चीज़ हरकत करके किसी दूसरी तरफ पहुँचे तो वहाँ वो नहीं होती जिस तरफ वो चीज़ जिसकी तरफ हरकत की जा रही है। जी जी बिल्कुल सही है। अब इस कागज़ को मैं उठाकर अपनी तरफ ले जा रहा हूँ इसलिए कि मैं वहाँ नहीं हूँ, यहाँ हूँ। सही है। तो जो ही आप मसीह की हरकत का तायुन करेंगे खुदा को हाथ से खो देंगे, क्योंकि खुदा की तारीफ़ ये है कि अल्लाह नूरु समावात वल्लाह फ़ैनमा तवल्लु फ़थम्मा वजहुल्लाह है, अल्लाह तो ज़मीन व आसमान का नूर है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उधर खुदा होगा। जी हाँ। तो मसीह का किसी जिस्मानी तौर पर किसी एक सिमत इस आयत के नतीजे में हरकत करना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं, सही है जी। जहाँ खुदा था वहीं हरकत होनी चाहिए, वहीं इस आयत का अमल होना चाहिए। और खुदा हर जगह है मगर हर शख्स मरफू नहीं है, इसलिए कि खुदा की ज़ात लतीफ़ से लतीफ़ तर है और सिफात के ज़रिए से इंसान का रफा होता है। जो खबीस आदमी है वहाँ भी खुदा मौजूद है जी बिल्कुल, मगर वो मरफू नहीं है। सही है जी। अम्बिया वहीं होते हैं जहाँ खुदा होता है मगर वो मरफू होते हैं। तो रफा रूहानी दर्जे की तरक्की के सिवा कुछ नहीं है और बन ही नहीं सकता। सही है। और इस सिलसिले में क़ुरान करीम के दूसरे जो मुहावरे हैं वो मैं आपको बताता हूँ और हदीस के मुहावरे, जिससे साफ साबित होगा कि रफ़ा का वही माना दुरुस्त है जो जमात अहमदिया करती है जी। मसलन बलम बाऊर के ताल्लुक में एक आयत आती है कि वलोशे ना ला रफा ना हो बिहा जी वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, कि अगर हम चाहते थे उसको हम उठा लेते जी जी, वलोशेना ला रफा ना हो बिहा, उन सिफात के ज़रिए जो हमने उसको अदा की थी अगर चाहते तो उसका रफ़ा कर लेते, वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो बदनसीब ज़मीन की तरफ झुक गया। झुक गया, ठीक है। बस अगर ज़मीन से दूर हटने का कोई माकूल मौका हो तो इस आयत का मौका है, क्योंकि यहाँ दो बातों का इख्तलाफ इस तरह दिखाया गया है कि एक शख्स ज़मीन की तरफ झुक गया जी और ज़मीन का बरक्स ऊपर की तरफ उठना हुआ करता है। सही। तो अगर रफ़ा का माना बुलंदी की तरफ सफ़र होता जिस्मानी तौर पर जी जी, तो सबसे ज़्यादा यहाँ होना चाहिए था,
मगर तमाम उलमा मुत्तफिक हैं कि यहाँ रूहानी रफा मुराद है, जिस्मानी तौर पर रफा नहीं, मुराद नहीं है। तो फिर इसका मतलब मैं यूँ लूँगी कि जैसे रफा ना अल्लाह का जिक्र रख, तो बिल्कुल इसी मतलब में ही बिल्कुल हुआ। खुदा दरजात में रफा फरमाता है, दुरुस्त है जी। कुरान करीम में अम्बिया के हवाले से रफा ही का लफ्ज़ मिलता है और साथ दरजात का लफ्ज़ बा के लिख कर बात खोल दी। ठीक है, बाज उनमें से ऐसे हैं जिन पर बाज दूसरों को खुदा ने रफा अता फरमाया। रफ़ाहुल्लाहुम बाज़हुम अला बाज़ दरजात, ये जो मुझे याद है। बिल्कुल हाँ, ऐसा है। तो अब रफ़ा का मसला तो हल हुआ, लेकिन हदीस से भी होता है यही रफ़ा मसला हल। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दो सजदों के दरमियान दुआ सिखाई जी जी, उसमें वरफानी का लफ्ज़ भी आता है। अच्छा। बाज़ फ़िरक़े वो दुआ नहीं मानते, वो समझते हैं सिर्फ तवक्कुफ करो और दूसरा सजदा कर दो, लेकिन अक्सरियत है जो उस दुआ की कायल है और दुआ पढ़ने के बाद फिर सजदा करती है। और जमात अहमदिया का भी यही मौक़िफ़ है। उसकी वजह यह है कि कुरान नमाज में कोई भी हरकत या सुकून ऐसा नहीं जो जिक्र इलाही से खाली हो। क़याम में भी करते हैं, रुकू में भी करते हैं, दो सजदों के दरमियान लाजिमन दुआ होनी करना चाहिए। ठीक है जी। और जब अहदीस मौजूद हैं तो कोई वजह नहीं कि इनकार किया जाए। दुरुस्त है जी। उसमें एक दुआ का जुज ये है, वरफानी मेरा रफ़ा फरमा दे। और ये जितने मौलवी जी जी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जिस्मानी रफ़ा के कायल हैं, ये दुआ करते हैं। दुरुस्त है जी। अब उनसे पूछो कि क्या एक सजदा इतना बोझल हो गया कि अगले से पहले खुदा से अर्ज़ कर रहे हो कि मुझे उठा ही ले, इससे तो बेहतर ये मुझसे दूसरा सजदा नहीं हो सकता जी। और अगर यही मतलब है जिस्मानी रफ़ा का, तो आज तक किसी को उठते हुए देखा गया? नहीं, कभी नहीं देखा जी। बल्कि वो ज़मीन ही की तरफ सब चीज़ें लौटती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हजूर अगर इजाज़त हो तो मैं तीसरा भी जरूर। मैं नाम तो नहीं लूँगा उन मोहतरम हस्तियों के, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, ठीक है, ठीक। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये जिक्र है कि उनको कुल आलमीन की औरतों में सबसे बुलंद दर्जा था। तो क्या उनका दर्जा उन औरतों से भी बुलंद है? रसूल सल्लम की अज़वाजे मुतहरात जी, ऐसा कह लें या बेटी वगैरह? जी जी, ठीक है। इसका हल कुरान करीम ने खुद पेश फरमा दिया है जी, क्योंकि कुरान करीम ने सिर्फ हज़रत मरियम को कुल आलम पर फजीलत का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि बनी इसराइल को भी तमाम जहानों पर फजीलत देने का जिक्र फरमाया है। सही है। तो वहाँ से बात शुरू होनी चाहिए। हज़रत मरियम तो बहुत ही नेक बीवी थीं, गैर मामूली मरातब की खातून थीं। उनको कहना तो इतना ताज्जुबंगेज नहीं, क्या हर बनी इसराइली को तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फजीलत है? अगर आलमीन का माना वो किया जाए जी जी जो आम लोग करते हैं, आम लोग मतलब यह है कि हर ज़माने के आलमीन और हुआ करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। और उस ज़माने के आलमीन की बात हो रही थी। सही है जी, ठीक है जी। अजाज़ सर जी, शुक्रिया। हजूर अगला सवाल आयत यह है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। तिल्क रुसुल फद्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़ा बादहुम दरजात। ये है असल अल्फाज आयत के, रफ़ा बादहुम दरजात, उनमें से बाज को दरजात दूसरों पर ज़्यादा बुलंद किए। हजूर अगला सवाल जनाब जवेद तनवीर साहब हाई रकम से है। हाई वैकम, कितनी दूर है यहाँ से हाई वैकम? कोई 30 मील होगा। अच्छा, तो किस तरफ है ये? नाम काफ़ी सुने, लोग आते रहते हैं। 40 पे ये ऑक्सब्रिज से निकले तो हाँ हाँ, तो काफ़ी रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिलती होगी। बहुत ज़्यादा है। कितनी देर में पहुँचे यहाँ? मुझे भी 2 घंटे लगे। अच्छा माशा, बड़ी आपने तकलीफ़ फरमाई, जज़ाकअल्लाह। कोई नहीं, अब सवाल कीजिए। हज़ूर मेरा सवाल ये है, पहला सवाल जी, अहमदी अकीदे के मुताबिक नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ? क्या बंद नहीं हुआ? नबूवत का दरवाज़ा, सिलसिला जी बंद नहीं हुआ जी। अब मुस्तकबिल में जो नबी आएंगे, क्या वो भी अपने आप को मेहदी कहलाने के हकदार होंगे? मैं करता हूँ, पहले जो आपने अहमदी मसलक पेश फरमाया है,
وہ بہت ہی مختصر فرما دیا ہے، اگر میں اس کو تسلیم کروں گا تو بہت سی غلط فہمیاں بھی اس کے ساتھ تسلیم کر لوں گا جو درست نہیں ہیں۔ احمدی مسلک یہ ہے کہ جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے، آخری شرعی نبی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور قیامت تک اب کبھی کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا۔ نمبر ایک، صاحب امر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کا امر قیامت تک اسی طرح جاری ہے جس طرح قرآن کریم بحیثیت آخری کتاب کے ہے۔ بس ان دو معنوں میں ہم آپ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے بالا، اور تمام انبیاء میں آپ کی شریعت کامل، اور زمانہ قیامت تک مل گیا آپ کا بھی اور کتاب کا بھی، یہ معنی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کی غلامی میں، غلامی سے ہٹ کر نہیں، امت محمدیہ میں اور قرآن کریم اور فرمان نبوی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی امتی کو نبی کا لقب ملنا قرآن کی روح سے ناجائز یا منافی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کی دلیل میں اور باتوں کے علاوہ ہم سورہ نساء کی یہ آیت پیش کرتے ہیں جو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کہ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اور الرسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اگرچہ ایمان بالرسل میں تمام انبیاء کو شامل فرما لیا گیا لیکن اطاعت میں صرف حضرت محمد رسول اللہ کو اکیلا رکھ لیا، ایک قانون نیا جاری ہو رہا ہے۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی آج کے بعد جو بھی اللہ اور اس رسول محمد کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا۔ اور لفظی ترجمہ یہ ہے اولائک ما الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام فرمائے گا، سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہیں سے آگے ترجمے کا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ غیر احمدی علماء جو اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی امتی اور متی نبوت کا انکار کرنے پر مصر ہیں، وہ یہاں ماں کے لفظ کو من کے معنوں میں نہیں لیتے بلکہ ایسے ساتھ کے معنوں میں جو ان میں شامل نہیں ہیں مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، خدا جن لوگوں پر انعام فرماتا ہے یہ لوگ ان میں سے ہوں گے، بلکہ فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرما رہا، اللہ فرماتا ہے انعام تو نہیں ملے گا ان کو مگر انعام پانے والوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی خاتم النبیین کی تشریح میں جماعت احمدیہ کے اعتراض سے بچنے کی خاطر، کیونکہ جماعت احمدیہ اس آیت کو اپنی تشریح کی تائید میں پیش کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ اس آیت کا حوالہ دے کر ثابت کرتی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے تمام انعامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک محدود ہو گئے، تمام غیروں کے چشمے خشک ہو گئے اور تمام غیر نبیوں کے فیض بند ہو گئے، خاتم کا یہ معنی ہم مانتے ہیں۔ لیکن اپنا کوئی انعام بھی آپ نے بند نہیں کیا بلکہ آپ کے فیض کے چشمے تمام تر جاری ہیں، یہ ہمارا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نبوت کا فیض بنی نوع انسان پر بند کر دیا، یہ مطلب ہے، سمجھ گئے ہیں؟ اگر ان کا معنی تسلیم کریں تو یہ آیت متضاد کھڑی ہے سامنے،
ये आयत कह रही है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अतात करेगा, फ़ाउलाइका माल लजीना अन्नमल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जो, मैं अभी साथ की बहस करने की बजाय उनका माना पढ़ देता हूँ, यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। लेकिन माँ का माना मिन भी होता है, ये भी सबको तस्लीम है। यहाँ मिन है या माल गैर मुराद है, यही आयत खुद तशरीह कर रही है, वो क्यों नहीं पढ़ते? आगे लिखा हुआ है मिनन नबीना, मान नबी नहीं फरमाया, यानी उस गलत फहमी को कुरानी आयत ने खुद हमेशा के लिए दूर कर दिया कि माँ का माना तुम गैर ना समझना कि गैर होते हुए इस ग्रोह के साथ होंगे। जब तशरीह फरमाई अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ से माँ की, तो फरमाया मिनन नबीना, नबियों में से, वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीकों में से, वश्शुहदाए, और शहीदों में से, वस्सालेहीना, और सालेहीन में से। दूसरी बात ये उठती है कि अगर ये तशरीह उनको मंजूर नहीं और माँ के उस माने पर इसरार है जो साथ का है लेकिन बीच में शामिल नहीं होने देता, तो फिर सिर्फ नबूवत ही नहीं बंद हुई, फिर सिद्दीकियत भी बंद हो गई, शहादत भी और सालेहियत भी, क्योंकि ये माँ सबको कंट्रोल कर रहा है, उनके दरमियान कोई तमीज़ नहीं करता। माल लजीना अन्नम अल्लाहु अलैहिम, ए मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालेहीना वहसुना उलाइका रफीका, और वो हसुना उलाइका रफीका से अपने हक में एक और इस्तेबाद भी करते हैं, वो भी समझाना ज़रूरी है, वरना वो बाद में आपको कुछ कह देंगे तो फिर आप दोबारा कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि मुझे, अभी सुन लीजिए। वो कहते हैं देखो साफ पता चल गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दोस्तों के तौर पर ये अच्छे लोग हैं, वैसे बनने की ज़रूरत नहीं, हाँ इनकी दोस्ती अच्छी है, इनका साथ अच्छा है, और साथ का एजाज़ किसको मिल रहा है ये सोचते ही नहीं। हसुना उलाइका रफीका में अगर गैर मुस्लिम जो पहले गुजर गए थे, उम्मत मोहम्मदिया से पहले अंबिया और पहले सिद्दीक शहीद और साले हों, तो मतलब ये है कि उम्मत मोहम्मदिया का ये एजाज़ है कि उनकी रफाकत खुदा ने इनको दे दी है। मैं तो इस तर्जमे को मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लम की हतक और गुस्ताखी समझता हूँ, मेरे नज़दीक तो बिल्कुल उलट मज़मून है वो, मेरे वाले तर्जमे के साथ चल रहा है, वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के साथ अंबिया और सिद्दीकों की माइयत उनके लिए एजाज़ है, ना कि इनके लिए उनका साथ एजाज़ है। बस मिनन नबीन का माना मिन ही है, में से, और माँ का माना भी मिन ही हुआ करता है जब अच्छे लोगों के हवाले से बात हो रही हो। ये बात उलमा छुपा लेते हैं, हालांकि कुरान उनको इस बात को खूब खोल रहा है। मसलन तमाम उलमा कुरान करीम की ये दुआ करते हैं कि वतवफ़ना माल अबरार, कुरान करीम में एक दुआ सिखाई है, वो दुआ क्या है, तवफ़ना माल अबरार, ऐ अल्लाह हमें नेकों के साथ वफात दे दे, समझे? तो क्या ये तर्जमा करेंगे कि नेक तो ना बनाना लेकिन जब कोई नेक मर रहा हो तो साथ हमें भी साथ खींच लेना? तमस्कर है कुरान करीम के आला मजामीन से, माइयत जब आला गुरु के ताल्लुक में बयान हो तो मिन ही माने हुआ करते हैं। मा सादिकीन कुरान करीम पर मारा है, ऐ उम्मत मोहम्मदिया सादिकों के साथ रहना, क्या मतलब है कि सच बेशक ना बोलना लेकिन सच्चे लोगों के साथ बैठ जाया करना, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो इन तमाम मकामात पर जहाँ फजीलत के गुरोह से ताल्लुक़ बांधा जा रहा हो वहाँ माँ का माना मिन हुआ करता है। और कुरान करीम चूँकि बहुत फसीह बलीग़ कलाम है और मुस्तकबिल पर नज़र रखता है, इसलिए माँ कहकर मिन का तर्जमा भी कर दिया।
खुद ही फरमा दिया मेरे मेरे नबी हैं। बस इस तर्जमे की रूह से इस बात का इम्कान खुला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से खुदा इन चार मरातब में से जो मर्तबा जिसके लिए मुनासिब हाल समझे उसको अता कर दे, ये इम्कान खुला है। लेकिन ये मर्तबा अपने दर्जा कमाल तक कितनों को मिलेगा इसका फ़ैसला करना किसी इंसान का अपने के बस की बात नहीं, सवाय इसके कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में यह मसला हल करे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का यह मौक़िफ़ था कि देखो उम्मती नबी के मुतल्लिक़ तो क़त्ती क़ुरान करीम से भी रवायतें मिलती हैं, आयतें मिलती हैं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोईयाँ भी मौजूद हैं, मगर जो भी कहे कि मैं उम्मती नबी हूँ उसका फ़र्ज़ है कि अपनी तायीद में कुरानी आयात भी पेश करे और अहादीस भी पेश करे। और अपनी तायीद में आपने जो अहादीस पेश की वो ये हैं, मसलन फरमाया कि एक तरफ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आने वाले मसीह का जिक्र करके कि मसीह आएगा, फरमाते हैं लैसा नबी बैनी व बैना हो लैसी लैसा बैनी व बैना हो नबी, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी वाकया नहीं होगा। जिसका मतलब यह है कि जो ला नबी आबादी की अहादीस हैं उनकी तशरीह खुद फरमा दी और खातमा नबीन की तशरीह भी खुद फरमा दी कि नबी का लकब पाने वाला मेरे और मसीह के दौरान कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन नबी उससे मुस्तस्ना ईसा नबी या मसीह माऊद उससे मुस्तस्ना है, वो ज़रूर नबी का लकब पाएगा। और इसकी तायीद में मुस्लिम की यह हदीस पेश फरमाई जिसमें वजाहत और कतियत के साथ आने वाले मसीह का जिक्र है, ईसा नबीउल्लाह के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं कि फिर ईसा नबीउल्लाह ये करेगा फिर ईसा नबीउल्लाह वो करेगा। चार मरतबा एक ही हदीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माजी वाले नहीं आने वाले ईसा को नबीउल्लाह फरमाया गया। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इससे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहाँ तक मेरा दावा है, मेरा दावा इस हदीस और आयात कुरानी के मुनाफी नहीं है। मैंने जहाँ उम्मती नबूवत का दावा किया है वहाँ मसीह मौऊद का भी दावा किया है, और कोई मसीह सच्चा मसीह साबित नहीं हो सकता जब तक आ हजूर के फरमान के मुताबिक सात नबूवत का दावा भी ना करे, क्योंकि इन दोनों को आपने बांध दिया है। इसलिए उलमा से पूछें, ये आपका काम है उनसे पूछें कि तुम मसीहियत का इनकार कर रहे हो इस बना पर कि इसने नबूवत का दावा कर दिया है, और अगर वो नबूवत का इनकार करता तो ये हदीस तुम उसके सामने ला खड़ा करते कि तुम कैसे मसीह सच्चे हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं, तो ना इधर पाँव रखने देते हैं ना उधर पाँव रखने देते हैं। अमरे वाकया ये है कि तजाद अगर है तो इनकी सोचों में है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोईयों में कोई तजाद नहीं है, तमाम अहादीस एक दूसरे से मुंतबिक एक दूसरे की तशरीह करने वाली एक दूसरे के मुताबिक हैं। जहाँ ला नबी आबादी बड़े ज़ोर से फरमाया है वहाँ ये भी फरमाया कि लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन, उसको ला नबिया की जद में ना लाना क्योंकि जो आने वाला मसीह है वो ज़रूर नबी होगा और मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं, और फिर उसका जिक्र करके उसको नबीउल्लाह कह दिया। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये मौक़िफ़ था कि मैं तो अपने हक में दलाइल कुरान और हदीस के पेश कर रहा हूँ, लेकिन नबूवत अगर उम्मती नबूवत आ सकती है तो सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं है, आइंदा के लिए भी आ सकती है, क्योंकि खुदा इस फैज़ को बंद नहीं करेगा अगर कोई इस लायक ठहरे खुदा की नज़र में कि उसको मसीहियत या नबूवत का मकाम अता किया जाए तो खुदा के हाथ कोई नहीं बांध सकता। शर्त सिर्फ ये है कि वो कामिल ताबे हो, नई शरीयत ना लाए, इस शरीयत में तब्दीली पैदा ना करे और फरमान नबवी से बाहर निकलने की जसारत ना करे, मगर फैसला करना अल्लाह का काम है। बस आइंदा भी अगर कोई होगा
जिन्होंने एक केस को मान लिया वो उसको भी मान लेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले का इनकार कर दिया हो उनके लिए अगला मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहूद ने पहले मसीह का इनकार कर दिया था और मोहम्मद रसूलल्लाह को भी नहीं माना, फिर उनकी बड़ी जमात इसलिए महरूम रह गई कि पहले एक इनकार कर बैठे हैं, आगे से भी महरूम हो गया। ईसाइयों ने मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम का इनकार कर दिया और मसीह सानी जो उतरा उनमें उसका भी इनकार कर बैठे। तो मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस मज़मून पर गौर करना चाहिए कि आने वाले जब खुदा से आते हैं तो इनाम के तौर पर आते हैं, लानत के तौर पर नहीं आते। इसलिए आने वाले को लानत ही करार देना या दावा करने वाले को कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, एक लानत बयान करके रद्द करना और उम्मत में शोर डाल देना कि ये नहूसत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई नबूवत का दावा करे, शैतान होने का दावा करे मंजूर है, दज्जाल होने का दावा करे सर आंखों पर, मगर जिस नबूवत को खुदा नेमत कह रहा है और नेमतों से सबसे ऊंची, उसको लानत समझ रहे हैं। ये वैसी बात है जैसे यहूद ने शरीयत को लानत करार दिया था और उनकी कुछ इस्लाह हो गई तो सेंट पॉल आ गए, उन्होंने कुलियतन शरीयत की सफ़ी लपेट दी कि लानत है। तो लानत करार देने से पहले सोचो तो सही कि किस चीज़ को लानत कह रहे हो। अल्लाह इनाम कहता है, तुम लानत कहते हो। ये हक तो है कि ये कहो कि इस इनाम का ये शख्स हकदार दिखाई नहीं देता, मगर इनाम का दावा करने वाले को मलून कहना ये अकल और किताब के फैसले के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल। हजूर मेरा दूसरा फरमाइए। वो आपके पिछले कुछ जुम्मा के खुतबात मैंने देखे सुने। जी जी फरमाइए। उसमें कुछ आप खुतबात सुनते हैं? जी हाँ। अच्छा, तभी फिर फरमाइए। उसमें एक दो पॉइंट ऐसे हैं, वज़ाहत फरमाइए, लेकिन मैं समझता हूँ वो ज़रा इल्मी सी गुफ्तगू है, शायद ये फोरम अगर ऐसी बात हो जी तो उसके लिए मैं चाहता करता हूँ। एक इम्कान मौजूद है कि चूँकि ये सिलसिला भी बंद नहीं हुआ इसलिए कई ऐसे निकात हैं जो आइंदा खुलने वाले होते हैं जी, तो अगर आपने कुछ नुक्ते बयान फरमा दिए अब समझने की खातिर जी, तो इनका नहीं तो सबका फायदा हो जाएगा, मैं आइंदा खुतबे में उनको शामिल कर लूँगा। अच्छी, समझ गए जी। सवाल कर दीजिए। उसमें पहला एक खुतबे में, बल्कि वो मेरे ख्याल में दो खुतबात में मुहीत था आपका जी, फरमाइए। नूरुल अला नूर उसके मुतलक आपकी गुफ्तगू बड़ी इल्मी और काफ़ी हद तक साइंटिफिक भी थी, लेकिन उसमें आपने फरमाया था कि नूर की एक मख्फी शक्ल होती है, एक जाहिर, ठीक, और मख्फी शक्ल जो है वो बाज़ औक़ात ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। उसमें आपने एक मिसाल दी थी ब्लैक होल की, ब्लैक होल कि वो नज़र नहीं आते लेकिन उनके करीब कोई चीज़ जाए तो उसको ज़बरदस्त कुव्वत से खींच लेते हैं। हजूर, इसमें मेरा जहन में एक पॉइंट है कि ब्लैक होल जो है अगर उनको देखा जाए तो वो डेड स्टार है। एक स्टार जब अपनी लाइफ ख़त्म कर चुका, मुर्दा हो गया, उनमें रोशनी नहीं है कोई। नहीं, ये यही आपका तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। साइंस के नुक्ते निगाह से इसके बरक्स सूरत है। ब्लैक, अव्वल तो लफ्ज़ से ब्लैक को आप समझ लीजिए, ये अचकन ब्लैक इसलिए नहीं है कि ये नूर से खाली है, इसलिए है कि सारे नूर को अपने अंदर समेट लेती है और छोड़ती कुछ नहीं वापस जाने के लिए। जी जी। ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल इसी वजह से रखा गया है कि साइंसदान कहते हैं कि एक्सरेज को भी और दूसरी अल्ट्रा वायलेट हर किस्म की रेज को, रोशनी की हर किस्म को वो इस कुव्वत से जज्ब करता है जी कि कुछ भी नहीं वापस नहीं छोड़ता। उनकी ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, फोर्स वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ मादे के लिए नहीं है, जो ठोस चीज़ें हैं, सब चीज़ के लिए, रोशनी के लिए भी है जी, और रोशनी को खींच लेता है इसलिए रोशनी दिखाई नहीं दे सकती, बिल्कुल वहाँ नहीं, समझ गए, नो लाइट नो टाइम, लेकिन उसके अंदर मौजूद हो रहती है, खुद रोशनी से खाली नहीं होता बल्कि सबसे ज़्यादा रोशन होता है अपनी ज़ात के अंदर, लेकिन रोशनी चूँकि निकलने नहीं देता इसलिए कोई देख नहीं सकता जी। ये मतलब है ब्लैक होल का। और
अब आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब नूरों से ज़्यादा अजला थे, आपने इस्लाम के झंडे का रंग काला चुना है, स्याह झंडा था, जो बज़ाहिर अजीब बात लगती है कि दुनिया का रोशन तर नबी आया है, सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला, और झंडे का रंग स्याह चुन लिया है। असल वजह यह है कि इंजज़ाब नूर के की तरफ इशारा है। इस मुस्लिम वो होगा जो नूर को कुल्लियतन जज़्ब कर ले अपनी ज़ात में, फिर खुदा उससे और नूर पैदा करता है जी। वो अलग मसला है जी। लेकिन तुम तब सच्चे मोमिन बनोगे अगर नूर को चिमटा लो, उसको अपनी ज़ात में हजम कर लो, वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाए। इस तरह बज़ाहिर काला रंग दिखाई देता है जी। मगर इसमें एक और लुत्फ़ की बात यह भी है कि वो वजूद जो इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा रोशन वजूद थे, वो देखने वालों को सबसे ज़्यादा काले दिखाई देते थे। ये दूसरी तशरीह है और मेरे नज़दीक ये औला है तशरीह। वो इसलिए कि उस नूर को अबू जहल ने भी देखा है और अबू बकर ने भी देखा है, और अबू जहल को वो स्याही स्याही दिखाई दिया है और अबू बकर को वो रोशन रोशनी दिखाई दिया है। इसका मतलब यह है कि नूर को देखने के लिए आँख का होना ज़रूरी है। जो आँख नूर नहीं देख सकती उसको स्याही दिखाई देती है। क्योंकि ये झंडे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन से मुकाबले के लिए इस्तेमाल फरमाया करते थे, इसलिए मोमिनों के लिए यह ऐलान था कि ये मुजस्सम नूर हैं, और गैरों के लिए यह था कि जिसको तुम तारीख देख रहे हो अब इससे मुकाबला करके देखो, बज़ाहिर जिसको तुम तारीकी समझ रहे हो वो गालिब आएगी या तुम्हारा नूर जिसको तुम नूर समझ रहे हो। तो ये ज़ौकी नुक्ते हैं सब ठीक, लेकिन जो मारिफत की गुफ्तगू है उसमें ज़ौकी नुक्ते भी आ जाते हैं। जो असल बात मैंने आपसे अर्ज़ की थी, मैं वापस उस पर लौटता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि नूर की वो किस्में जो ज़्यादा कवि हैं वो इंसान को नंगी आँख से दिखाई नहीं देती। एक्सरे है, वो उस नूर के स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है जिसको हमारी आँखें देखती हैं, मगर वो दिखाई नहीं दे सकता। और कुरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को एक बहुत ही लतीफ़ रंग में ज़ाहिर फरमाया कि खुदा क्यों दिखाई नहीं देता। ये नूर जिसको हम एक्सरे कहते हैं, अगर बराह रास्त हमारी आँखों में पड़े तो जला के रख दे। और यही लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लम ने हदीस में इस्तेमाल फरमाए हैं कि खुदा ने नूर का निकाब ओढ़ा हुआ है, अगर वो निकाब उतार दे तो हर चीज़ जल के खाकिस्तर हो जाए, कोई देखने वाली आँख रह ही नहीं सकती। तो शिद्दत नूर जो है वो भी मख्फी हो जाती है, ये मैं कहना चाहता था। और दूसरा उसमें ये था, एक और जुमे के मौके पे आप अर्शे मौला हाँ जी मुतले, उसमें आपने फरमाया था कि बंदे मोमिन का दिल जो है जी वो अर्शे मौला जी, ठीक है। सर इसमें मेरी ये गुजारिश थी कि बंदा मोमिन मतलब है आदम की औलाद, आदमी ठीक, तो हज़रत आदम की क्रिएशन से पहले अर्शे मौला कहाँ था? अर्शे मौला मैं आपको उसमें एक तशरीह तो नहीं पेश की थी, मैंने बहुत सी तशरीहात पेश की थी। सबसे पहली तशरीह ये की थी कि अर्श एक तनजीही मकाम है जिसका मादे और तख्लीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। गैर मखलूक वो मकाम इलाही जिसमें ऐसी सिफात जलवागर हैं जो मखलूक से बाला हैं और उसकी फहम से भी बाला हैं, उसका नाम अर्श इलाही रखा गया है कुरान करीम में। और दूसरा अर्श जो है तख्लीक से पहले, वहाँ फरमाया काना अर्शहु अलल माए, उसका अर्श पानी पर था, और पानी से मुराद मादी पानी हरगिज़ नहीं, बल्कि उस पानी का जिक्र हो रहा है जिसके मतलब फरमाया व जालना मिनल माए कुल्ला शैन हई, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। तो अर्श इलाही को
माँ पर करार देने से मुराद ये है कि जिंदगी इसलिए खुदा ने पैदा फरमाई कि जिंदगी से उसका ताल्लुक जुड़ना था और जिंदगी पर उसकी सिफात उतरनी थी। अगर ये माना ना लिया जाए तो मुर्दा चीज़ों पर खुदा के अर्श का कोई माने नहीं जो समझ नहीं सकती। इसलिए हैवान भी समझते हैं, थोड़ी हद तक समझते तो हैं मगर कुछ कुछ। सबसे ज़्यादा खुदा की सिफात को समझने वाला इंसान है और इंसानों में से वो जिसको पहला आदम बनाया गया यानी नबी, और नबियों में सबसे ज़्यादा समझने वाला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस अर्श का ताल्लुक खुदा की सिफात की फहम और उनकी अपने अंदर जलवागरी का नाम है। इसीलिए खुदा ने फरमाया कि मेरा अर्श पानी पर था जी। वरना पानी पर खुदा बैठा हो ये तो अजीब सी बात लगती है, मगर कुरान करीम की आयात एक दूसरे के मज़मून को खोल रही हैं और बहुत ही वसी आरिफाना माने उभरते हैं। तो ज़िंदगी का ताल्लुक खुदा के साथ ताल्लुक के लिए ज़रूरी था जी। अगर ज़िंदगी ना पैदा होती तो खुदा ताला की तरफ से जो सिलसिला तख्लीक फूटा था वो बेजान मुर्दा बेख्याल रह जाता, वो या कुछ भी नहीं है सही। और खुदा की तरफ लौट नहीं सकता था। इस तरह जब इंसान बाशऊर हुआ और खुदा की तरफ उसके ख्याल दौड़े और उसका दिल लपका मोहब्बत में, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मज़मून मुकम्मल होता है कि हम अल्लाह ही की तरफ से आए थे, अल्लाह ही की तरफ लौट जाएंगे। बस अर्श से मुराद बिना हुआ करती है, इन्हिसार को अर्श कहते हैं। बस खुदा की खुदाई ने अपनी बिना के लिए ताकि मेरा मखलूक से ताल्लुक़ कायम हो जाए पानी को चुना और पानी के ज़रिए ज़िंदगी पैदा की और ज़िंदगी के ज़रिए इंसान बना और साहिब सिफात बना जिसका इलाही सिफात से एक ताल्लुक़ कायम हो सकता था। और सबसे बुलंदतर सिफात इलाही को उठाने वाला अपनी ज़ात में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अर्शों से ऊंचा है, जिस्मानी लिहाज से नहीं जी, बल्कि जहां खुदा जलवागर हो वही ऊंचाई के माने हैं। ये आमतौर पर उलमा आपको ऊंचा यूं करके ऊंचा दिखा देते हैं, यूं करके नीचा दिखा देते हैं, हालांकि सिफात इलाही के ताल्लुक में ना कोई इस तरफ ऊंचा है ना कोई उस तरफ नीचा है, हर तरफ खुदा है और सिमतें घूम रही हैं हर तरफ। अब इसको ऊंचा कहेंगे तो अमेरिका वाले नीचे हो गए सही, और उनको नीचा कह दें आज कल आप वहीं पहुंच जाएंगे सही, जहां आपने उनको नीचा करार दिया था। तो ऊंचा नीचा की जो गुफ्तगू है अल्लाह के ताल्लुक में समझनी चाहिए। सिफात बारी ताला की तरफ जो चीज़ हरकत करती है वो ऊंची है। अर्श मौला अगर कोई है अव्वल तौर पर तंजीही अर्श के अलावा, पहला वो अपनी जगह बात कायम है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा खुदा जलवागर हुआ उसको सबसे ज़्यादा रफ़त अता हुई। तो राफियो का मज़मून भी इसी के साथ हल हो जाता है, समझ गए। शुक्रिया। हुज़ूर, अगला सवाल जनाब अब्दुर्रऊफ़ साहब हौसलों का है। जनाब अब्दुर्रऊफ़ साहब, जनाब अब्दुर्रऊफ़ साहब अब्दुर्रऊफ़ हौसलों से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हुज़ूर, सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा आजकल बेशुमार फ़िरकों में बटी हुई है, जिनके आने की पेशगोई थी वो भी आ चुके हैं, और मतलब जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को फिर से एक करना था वो भी आके जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब फिरके ख़त्म नहीं हुए, ठीक है, ये मैं कब होंगे, क्या मुमकिन भी है? मैं इसका जवाब एक बहुत मुख्तसर देता हूँ जो सारे मसले को हल कर देगा। वो वजूद जिसके मुकद्दर में खुदा ने ये लिख दिया था कि तमाम बनी नौ इंसान को इकट्ठा कर देगा,
वो आया और गुजर गया, और उसके आने के बाद वो फिरके बने हैं जो आप बयान कर रहे हैं, दुरुस्त है या नहीं? जी सही है। तो ये सवाल है असल कि फिरके उसके बाद जो सारे कायनात को मुत्तहिद करने आया था, ये कैसे बन गए फिर? अगर वो अपनी उम्मत को भी इकट्ठा ना कर सका तो एक गैर ये सवाल कर सकता है तो सारी दुनिया नौ इंसान को इकट्ठा करने का माना क्या है? अमरे वाक़या ये है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने में ही इत्तेहाद है, महज आने में इत्तेहाद नहीं है। क्योंकि जिस मक्के में आपने कदम रखा वहाँ आपके आने के बाद भी आपके मुनकर उसी तरह मुतफर्रिक रहे, फटे रहे और बटे रहे, वही एक हुआ जिसने आपको तस्लीम कर लिया। तो किसी के फैज़ से इस्तेफादा करना, और जो फैज़ नबूवत है उसमें सबसे अहम फैज़ वहदत है। ये नुक्ता अपनी ज़ात में बहुत अहम है जो आप उठा रहे हैं। नबूवत किस रंग की भी हो, शरी हो या गैर शरी तशरी हो, उसका अव्वल काम तौहीद का क़याम है, और तौहीद के क़याम में उम्मत वाहिदा पैदा करना एक लाजमी जुज़ है। इसलिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुतफर्रिक मुकामात से, मुतफर्रिक कबीलों से, मुतफर्रिक मज़ाहिब से लोग आए और एक हो गए। इफ्तराक का अमल अगर शुरू हुआ तो साबित करता है कि लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से पीछे हटना शुरू कर दिया था, और कामिल तौर पर सर तस्लीम खम नहीं किया बज़ाहिर मानने के बावजूद। वरना ये नामुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुकम्मल सर तस्लीम खम रहे और फिर भी तुम बट जाओ, ये हो ही नहीं सकता। तो इफ्तराक इस बात की इलामत है कि तस्लीम नहीं किया गया, या दिल से तस्लीम नहीं किया गया। बस इमाम महदी हो या कोई और आने वाला हो, उसी को इकट्ठा करेगा जो उसे तस्लीम करेगा, उसके बगैर नहीं। इस पहलू से देखना यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहेब में उस इत्तेहाद पैदा करने की कोई सलाहियत, कोई ताकत दिखाई दे रही है कि नहीं। अव्वल ये कि जमात अहमदिया जिस चीज़ से बनी है वो तमाम फ़िरक़ों की नुमाइंदगी है। हर फ़िरके से लोग आकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उन सब ने अपने सब इख्तलाफात माजी में दफन कर दिए हैं, और एक खुदा के तसव्वुर, एक उम्मत का तसव्वुर, कुरान करीम की एक तशरीह और अहादीस की एक तशरीह, इस सब पे मुत्तफिक हो गया। ये है वो उम्मत वहदा बनाना, और सिर्फ इस लिहाज से नहीं बल्कि तमाम दुनिया में, अफ्रीका में भी जमात अहमदिया को नफूज हुआ, चीन में भी हुआ, जापान में भी हुआ, जो साउथ पैसिफिक के जज़ीरे हैं उनमें भी हुआ, इंग्लिस्तान में, यूरोप में, जो भी आ रहा है जिस रंग और जिस नस्ल से आ रहा है वो यहाँ आकर एक हो जाता है। इसको शायराना तौर पर इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। वाक़ियतन जमात अहमदिया में इस वक्त अंग्रेज़ हो या अमरीकन हो या जर्मन हो या अफ्रीकन हो, इस तरह बराबर हो गए हैं कि किसी को किसी पर अपनी फौकियत का एहसास नहीं, किसी को किसी के सामने एहसास कमतरी नहीं रहा। ये यकताई है जो खुदा से आने वाले अपने मानने वालों में पैदा करके दिखा देते हैं। बस यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों भटक रहे हो अभी तक, वो आ चुका जिसने जोड़ना था, तुम उससे ताल्लुक जोड़ोगे तो जोड़ोगे, उसे अलग रह के तो नहीं जुड़ सकते। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया सर। हुजूर, अगला सवाल काजी मुबशर अहमद जो बर्मिंगम से तशरीफ लाए हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप पठान काजी हैं या सिंधी काजी हैं? मीरपुर से हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जी हैं? अच्छा, ठीक है। बाज़ काजी तो पठानों में पाए जाते हैं, काजी कहलाते हैं, और एक काजियों का बड़ा एक ख़ानदान है जो सिंधी काजी कहलाते हैं। जी नहीं, आप मीरपुरी काजी, जिसका मतलब है कि आपके ख़ानदान में कज़ा का ओहदा चल रहा होगा किसी ज़माने में। यही बात है, यही बात है, वो समझ गया हूँ। फरमाइए।
मेरा सवाल यह था हजूर के, जैसा कि हजरत चौधरी जफरुल्ला खान साहब ने अरबों की बहुत मदद की उनके हकूक़ हासिल करने के लिए, और ख़ासकर वो पाकिस्तान के पहले आमदी वज़ीर ख़ारजा भी थे, तो जो आज कल मुल्लाओं ने कश्मीरियों की मदद नहीं की थी उन्होंने, वो क्यों भूल गए आप? कश्मीर के मामले में जिस शान और क़ुव्वत के साथ उन्होंने हिंदुस्तानी नुमाइंदे को शिकस्त फाश दी थी जी, उसका एतराफ़ तो हिंदू अखबारों ने भी किया था जी। अब तेमूर जफरुल्ला खान ने, क्या नाम था उनका जो मुकाबल मशहूर हिंदू वकील आए थे, मेमन नहीं नहीं वो बाउंड्री की बात कर रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस में जी। नहीं नहीं है? वो नहीं थे मुझे नाम जहन से उतर गया है। उस वक्त जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे गालिबन वो वज़ीर थे या जो भी थे, उनके मुतल्लिक हिंदुस्तानी अखबारों ने ये लिखा कि जफरुल्ला खान ने केस इस उम्दगी से पेश किया है कि उसकी कोई दाल निकलने दी, और वो तो तस्लीम कर रहे हैं जिनके हक में बात की वो बात ही भूल गए हैं, जेब नहीं देता, समझे हैं जी जी। कश्मीर के लिए आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तमाम हिंदुस्तानी तासुर को मिटा दिया। मेरी एक हैसियत है पाकिस्तानी की, इस हैसियत से मैं चौधरी साहब का ममनून हूँ। एक मेरी हैसियत है आलमी मुसलमानों की वो नुमाइंदगी जिसमें हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, अफ्रीकन भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, उस पहलू से मैं कोई पेरुकियल एटीट्यूड लेने का हकदार नहीं हूँ, समझे हैं। इसलिए बहसियत खलीफतुल मसीह मैं हर कौम के हक में उसके इंसाफ की बात करूँगा, और तासुब के नतीजे में अगर मैं बात करूँगा तो खलीफा बनने का ना अहल रहूँगा ना इस्लाम की नुमाइंदगी करूँगा। इस तशरीह के बाद अब आप फरमाइए आपका क्या सवाल है। मैं वो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा था, मैं समझ गया हूँ, आपने बड़े प्यार से बात की है, मैं तशरीह कर दी है जी जी। आपका सवाल सारी दुनिया सुनेगी जी, अब ये भूल रहे हैं टेलीविजन के जरिए जी, इसलिए अगर मैं ये तशरीह ना करता तो लोगों ने यही समझना था जी कि जफरुल्ला खान ने कश्मीर के मुतल्लिक कुछ नहीं किया, बाकी सब अरबों के पास चले गए लेकिन कश्मीरियों को वो मेरी नाइलमी की वजह से मैंने मैं समझता हूँ, आप इल्ज़ाम नहीं जी, मगर मेरी मजबूरी है, मुझे साथ साथ तशरीह करनी पड़ती है जी। शुक्रिया। अच्छा फरमाइए। वो ये मैं सवाल कर रहा था हजूर के पाकिस्तान में जमात आमदिया के खिलाफ जो इल्ज़ाम तराशे जाते हैं, मेनन हो सकता है कृष्णन मेनन, मगर फिर मैं चेक कर लूँगा जी। फरमाइए। जो इल्ज़ाम जमात आमदिया के खिलाफ और ख़ासकर आपके खिलाफ तराशे जाते हैं कि आप पाकिस्तान के खैरखा नहीं हैं, इसके मुतल्लिक हुजूर कुछ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं सारे जी मैं 200% ही आपके साथ मुत्तफिक हूँ। झूठे इल्ज़ामात बातें मरोड़ते नुमाइंदा बन के आए जंग का, और अहद व पैमान किए कि बिल्कुल मुझे आम ना समझें, मैं आम जो सहाफ़ी हूँ वैसा नहीं हूँ, जैसे आम सहाफ़ी हैं वैसा नहीं हूँ, जो बात आप कहेंगे मिनो अन सच्चाई के साथ उसी तरह पेश करूँगा, और साथ टेप रिकॉर्डर भी रखा हुआ था, मैंने भी एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, और ऐसी बात मरोड़ी कि बिल्कुल बरक्स नतीजा जाहिर किया। आपने चूँकि ज़िक्र फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका दिल जमात के मामले में मैला नहीं हुआ, इसके बावजूद मैं आपकी तायीद में ये बात पेश करना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा था, मेरा क्या मौक़िफ़ है कश्मीर के मुतल्लिक। सबसे पहले मैंने उनसे ये कहा कि कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट पाकिस्तान की जमात अहमदिया ही ने चलाई थी, और इस बात के कतई तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि मेरे वालिद ने बहसियत खलीफतुल मसीह नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसको हिंदुस्तान ने बाहर निकाल दिया था या निकलने पर मजबूर कर दिया था, आपने कश्मीर मूवमेंट का आगाज़ किया, और शुरू में
वो क्या नाम था उनका, हमारे वफात पा गए हैं कश्मीरी लीडर, गिलकार, गिलकार साहब, गुलाम नबी गिलकार और इस तरह और बहुत से थे, वो हज़रत खलीफतुल मसीह से आके हदायतें लिया करते थे। आप ही ने रुपए खर्च किए जमात की तरफ से और कबाइल में नुमाइंदे भेजे, उनको आमादा किया और पठान अहमदियों ने बहुत इसमें खिदमत सर अंजाम दी। जब ये मूवमेंट चल पड़ी तब हुकूमत पाकिस्तान ने कदम रखने की ज़रूरत की। उस ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान गैर मुल्की दबाव से बहुत डरा करती थी, अभी पूरी तरह मुस्तकम नहीं हुई थी। जब चल पड़ी और बिल आखिर लड़ाई शुरू हुई तो लड़ाई के दौरान जमात अहमदिया के मौक़ था कि अब हाथ खींचना जायज़ नहीं है, अब अपने हक़ की खातिर अगर लड़ रहे हो या कश्मीरियों के हक़ की खातिर लड़ रहे हो तो फिर लड़ते रहो और इंटरनेशनल दबाव में ना आओ। लेकिन हुकूमत इंटरनेशनल दबाव में आई और तस्लीम कर लिया कि ये हमारी डिवाइडिंग लाइन, ये ख़त तकसीम है जिसको हम तस्लीम करते हैं। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो जायज़ ही नहीं था। जब एक दफ़ा आप लड़ाई छोड़ बैठे हैं तो फिर उस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी का आपको हक़ नहीं है, समझे कि नहीं बात। जब आपने तस्लीम कर लिया कि हम यहाँ और हिंदुस्तान वहाँ और कश्मीर जो हकीकी कश्मीर है उसको हिंदुस्तान के खाते में दे बैठे, लेकिन इस फैसले के साथ कि ये मामला यूनाइटेड नेशंस में उठेगा और ये चलेगा, ये तस्फिया होगा, मैंने कहा यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है, मगर उसके बाद ये हक नहीं पाकिस्तान का बनता कि इस सूरत हाल को कायम रखते हुए अपने आप को कश्मीर का जायज़ हकदार समझे। क्योंकि असूल ये तस्लीम किया था पाकिस्तान ने कि हक के खुद इरादियत कश्मीरी का काम है और ये जो तकसीम है ये आर्जी तकसीम सुलह की खातिर है और फैसला करना ना पाकिस्तान का काम है ना हिंदुस्तान का काम है, कश्मीरी ही का काम है कि वो फैसला करे। मैंने कहा इस उसूल पर कायम रहें तो बासूल बात है, इस उसूल की खातिर लड़ें, मगर ये जो कह रहे हैं कि कश्मीर, वादी कश्मीर के बसने वाले को पाकिस्तान से मिलने के सिवा कोई इख्तियार नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। जहां आप ये सवाल उठाएंगे वहां खुद ही जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसूल ये है कि जो जिस मुल्क का बशिंदा है उसका हक है वो फैसला करे। इस फैसले में आज़ाद कश्मीरी को ये कहाँ से पाबंदी हो गई, जान कश्मीरी को, कि या वो हिंदुस्तान से मिलने का फैसला करे या पाकिस्तान से मिलने का फैसला करे, आज़ाद रहने का क्यों नहीं कर सकता, ये सवाल था। मैंने कहा इसलिए इस असूल पर कायम हो, और मैंने इनको ये भी समझाया कि ये तो है ना असूली बात, एक है वाकयाती सियासत, दुनिया का नक्शा क्या है, इसमें ताकतों की नबर्द आजमाई किस तरह हो रही है, उसकी रूह से मैंने उनसे यह अर्ज़ किया था कि मैं ये हल समझता हूँ कि पाकिस्तान ख्वा बरह रास्त था किसी ज़रिए से ये बैनुल अक्वामी ताकतों को तस्लीम करा ले कि हम इस बात पर आमादा होने के लिए तैयार हैं कि जम्मू के इलाके में जहाँ हिंदू अक्सरियत है उसको हिंदुओं के साथ रहने दिया जाए, आज़ाद कश्मीर जिस पर हमारा तुमने आर्जी कब्ज़ा तस्लीम किया है इसको मुस्तकिल कब्ज़े के तौर पर तस्लीम कर लो और इसको पाकिस्तान का जुज़ बना लो, और बीच का जो कश्मीरी है उसको खुली छुट्टी दो, वो चाहे तो इधर मिले चाहे तो उधर मिले चाहे तो आज़ाद रहे, इसमें कौन सी नाइंसाफ़ी की बात है, नहीं कोई है? मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी ये माकूल बात है ना, हक मबनी पर हक है, बिल्कुल हर एक आदमी उसका हक मिलना चाहिए, बिल्कुल बेसिक असूल, ये बात मैंने उनसे कही थी। उस पर उन्होंने जो इंटरव्यू शाया किया वो ये था, उन्होंने ये लगाए थे कि मिर्जा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का क्या हक है कि आज़ाद कश्मीर पर कब्जा जमाए बैठा है, इन्ना लिल्लाह, ये खुलासा था। तो मैं तो जब इंटरनेशनल मामलात में बात करूँगा तो मैं कुरान की तालीम के पेश नज़र हक की बात करूँगा, इसके सिवा मेरे पास चारा ही कोई नहीं, कहीं पॉपुलर हूँ या ना पॉपुलर हूँ मेरी बला से मुझे कौड़ी की भी परवाह नहीं, अगर खुदा की नज़र में दुरुस्त हूँ
तो दुनिया जो मर्जी समझे, मैं बात हमेशा हक की करूंगा। और कुरान करीम ने यही असूल पेश फरमाया है कि अदल पर कायम हो, यहाँ तक अदल पर कायम हो कि अगर तुम्हारी दुश्मन कौम भी हो तो उसके वक्त उससे मामला निपटाने में भी अदल से नहीं हटना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़्वा। ऐ मुसलमानों, तुम्हें हमने अदल पर कायम किया। ला यजरिमन्नक, तुम्हें हरगिज इजाज़त ना दे, मजबूर ना करे ये बात कि कोई कौम तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए तुम अदल से हटकर फैसला करो। अगर दुश्मन कौम का मामला भी आया है उसको भी इंसाफ देना पड़ेगा, अदल से उसके हक में बात करनी पड़ेगी। ये असूल है जिसको अगर आज मुसलमान अपना लें, बल्कि दुनिया अपना ले, तो सारे दलदल दूर हो जाएं, सारी मुसीबतें हल हो जाएं। ठीक है ना, मेहरबानी। हुजूर, अगला सवाल जनाब इंदर सिंह उपाल साहब का है। इंदर सिंह साहब उपाल MBE हैं और ई लीग से तशरीफ़ लाए हैं। हाँ, हमारे पुराने मेहरबान दोस्त हैं, मैं जानता हूँ। सरदार साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, माशाल्लाह। थैंक यू जी। सो प्लीज फर्स्ट परमिट मी टू स्पीक इन इंग्लिश। आई कुड बट द मैनेजमेंट मे नॉट, क्योंकि इन्होंने वादा किया हुआ है सबसे कि उर्दू में बात होगी। अगर उर्दू में मुश्किल समझें तो करीब तरीन पंजाबी है। I'll try to speak in Urdu, please. Okay, fine. अच्छा, बात अर्ज ये है कि मेरे दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि आप रिमूव करने की कोशिश करिए, और जिसमें कि मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से कोई 20 साल पहले मैंने एक लोकल अथॉरिटी है उसको मैंने प्रिवेल किया था कि यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए जहाँ के हिंदू सिख मुस्लिम को प्रेयर करने की फैसिलिटीज हो, और बड़ी कोशिश के साथ वो कम्युनिटी सेंटर बन गया। जब उसकी इनागुरेशन हुई तो हमने ये सोचा कि रेडियो टेलीविजन सबको बुलाया जाए और वो तीनों जो हमारे रिलीजन हैं हिंदू मुस्लिम सिख वहाँ प्रेयर करें। तो सबको मैंने बुलाया और आंदिया एसोसिएशन इनको भी बुलाया, जो हिंदू फेस्टिवल था वो ठीक हो गया, और इनको कहा, उसमें सब फैसिलिटी थी वज़ू करने के लिए और उनको जो हिंदुओं के लिए वो जो होली नाइट है सब की। तो उनको मैंने कहा कि आमदिया भाई साहब को भी आप अजान दीजिए, और बहुत मुस्लिम थे और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट था कि आई जस्ट कैन नॉट टेल यू। किसने प्रोटेस्ट किया था? मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमानों ने। हाँ जी, और उसके किस बात के खिलाफ? अजान देने के खिलाफ। अजान देने के खिलाफ। अच्छा, अच्छा। तो लेकिन मुझे मेरी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई कि उनको कहा, भाई आमदिया साहब हैं ये मुस्लिम हैं, ये भी अजान दीजिए और आप भी अजान दे दें, फिर दोनों का वो रिकॉर्ड हो गया। और मुझे आप ये अजान, दोनों ने अजान दे दी। हाँ जी, दोनों। लेकिन मेरी वो बदकिस्मती ये है कि जब वो टेलीविजन में प्रोग्राम आया तो जो इन्होंने अजान दी थी लतीफ खान साहब ने, वो उन्होंने दिखाई, उनकी नहीं दिखाई। ओहो। और उन्होंने मुझे आज तक फॉरगिव नहीं किया है, माफ नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, तो उस 20 साल हो गए, लेकिन मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करता हूँ। एक तो ये है कि इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट उन्होंने क्यों किया है? आज तक मेरे खिलाफ हैं वो, लेकिन आई रिस्पेक्ट देम। दूसरी चीज़ यह है कि 20th century में इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है, और जो कन्फ्लिक्ट दूर करके करता हूँ, हो सकता है। कांट वी लिव लाइक ब्रदर्स जी? सो मेरे दो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हिंदू सिख रिलीजन और मुस्लिम में कोई इज देयर एनीथिंग यूनानिमिटी इन दैट? थ्री क्वेश्चंस प्लीज। अब कुर्सी पे बैठ जाएं, खड़े रहें, जैसा पसंद फरमाए। ठीक है, जैसे आपका होगा। पहली बात तो यह है कि सवाल आपने उनसे किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। उनसे करना चाहिए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो तो मुझे बोलने नहीं देते। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, आपको कह दें कि हम इनको मुसलमान नहीं समझते, इसलिए इनका इस्लाम की नुमाइंदगी करने हमारे लिए तकलीफ दे था, और तुमने क्यों किया इसे? आप ये जवाब दे सकते थे कि मैं इनको मुसलमान समझता हूँ, इसलिए मैंने अपनी समझ के मुताबिक बात करनी है, ना कि तुम्हारी समझ के मुताबिक।
अगर तुम्हें यह हक है कि अपनी समझ के मुताबिक किसी से सुलूक करे तो मेरा यह हक किस तरह छीन सकते हो कि मैं अपनी समझ के मुताबिक बात करूं? तुम कम्युनिटी सेंटर बनाओ, वहां ना बुलाना इनको। जो मैं बनाऊंगा, मैं तो अपनी समझ के मुताबिक बात करूंगा, समझ गए? ठीक है, इतनी सी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात इत्तेहाद की है। हाँ जी, वेरी इम्पोर्टेंट। इत्तेहाद में के तसव्वुर में एक गलत फहमी है जिसको दूर होना ज़रूरी है। इत्तेहाद की खातिर मजहबी नज़रियात को तब्दील नहीं किया जाता। इत्तेहाद का मतलब है मजहबी नज़रियात को कायम रखते हुए एक दूसरे से आला हुस्न सलूक करो और इंसानी कदरें जो मुश्तरक हैं उनमें इख्तलाफ न करो। कुरान करीम ने इस उसूल को आज से 1400 बरस पहले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश फरमाया। फरमाया कुल या अहलल किताब तआलो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि ए अहले किताब, यानी मफहूम यह है इख्तलाफ की बातें बहुत करते हो, उस कलमे की तरफ इकट्ठे क्यों नहीं होते जो हम दोनों के दरमियान मुश्तरक है? तो ये जो उसूल है ये बहुत ही सुनहरा उसूल है। इख्तलाफ को मिटाने के लिए नहीं फरमाया कि एक दूसरे से तआवुन की खातिर अपने अकीदे छोड़ दो। फरमाया जिन बातों में इत्तेफाक है वहाँ तआवुन करो। इस पहलू से तमाम दुनिया के मज़ाहिब का इत्तेफाक मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि इख्तलाफ तो है सिर्फ अकीदों में और अकीदा के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक ही नहीं है। बंदा जाने और अल्लाह जाने जन्नत कैसी होगी, मरने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ क्यों लड़ते फिरें हम एक दूसरे से? खुदा की नौइयत क्या है, फरिश्ते कैसे हैं? जो अकीदे तुम बेशक रखो मगर इसके नतीजे में लड़ने मरने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसलिए इख्तलाफ रखो शौक़ से, फैसला खुदा करेगा। मगर खुदा तआला ने जो अखलाकी तालीम दी है वो हर मज़हब की एक है। मामूली फ़र्क होने के बावजूद कोई ऐसा फ़र्क नहीं जो किसी को चुभे और तकलीफ़ दे। मसलन सब ने सच की तालीम दी है, सब ने हमदर्दी और रहमत और शफ़क़त की तालीम दी है। हर एक ने कहा है कि गरीब का दुख बांटो और अपना सुख बांटो। हर एक ने कहा है कि किसी का माल गसब नहीं करना। हर एक ने कहा है किसी की खयानत अमानत में खयानत नहीं करनी। बड़ों का अदब करो, छोटों पर रहम करो। क्या ये तालीम सब मज़ाहिब की है कि नहीं? अगर है तो कुरान तो इस तरह बुला रहा है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। उन बातों में इकट्ठे क्यों नहीं होते जो हमारे अंदर कदर मुश्तरक हैं? मैंने कहा था अगर इख्तलाफ है भी अखलाकी तालीम में तो जहाँ तक मेरा इल्म है चुभने वाला इख्तलाफ नहीं है। ईसाइत कहेगी कि नहीं, माफ़ करने के इंतकाम नहीं लेना, बल्कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा पेश कर दो, इसमें हमें क्या तकलीफ़ है? अगर वो अपना दूसरा गाल भी पेश कर दें जालिम के सामने तो किसी को एतराज़ क्या है इस पर? इसलिए अखलाकी तालीम दुनिया को उम्मत वाहिदा बनाने के लिए जहाँ तक इंसानी मेल जोल का ताल्लुक़ है, इंसानियत का ताल्लुक़ है, ये मुश्तरक है, इस पर ज़ोर देना चाहिए। थैंक यू जी वेरी मच। और लास्ट क्वेश्चन है कि सिख रिलीजन में और मुस्लिम इस्लाम में कोई कॉमन ग्राउंड्स हैं? हाँ, कॉमन सबसे बड़ी कॉमन ग्राउंड तो हज़रत गुरु बाबा नानक हैं, जिनको हम अपना बनाते हैं, आप अपनी तरफ खींचते हैं और हम कहते हैं वो हमारे गुरु हैं, आप कहते हैं नहीं तुम्हारे गुरु से, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे गुरु को अपना क्यों कहते हो? ऐसी तो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं आप नहीं होते, बाहर होते हैं, पंजाब में होते हैं लोग मूवमेंट चलाने की धमकी देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि किसी के गुरु को अपना बनाओ ये तो एजाज़ की बात है, कोई अपने से धक्का दे के अलग करो फिर गुस्सा आता है, अपना बनाने में तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, मैं कहा सिर्फ तुम पाकिस्तान के मुसलमानों की पैरवी ना करो, खुदा के लिए अपने मज़हब पर कायम रहो। वो हमसे इसलिए नाराज़ हैं कि मोहम्मद रसूलल्लाह को अपना क्यों कहते हैं? वो कहते हैं ताल्लुक काटो, उनको झूठा कहो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तौहीद का ऐलान बंद करो तो फिर हमारे सीने से लग जाओ।
और जब तक तुम अपना कहते रहोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद पढ़ते रहोगे तुम्हारी सजा मौत है। मैं कहा ऐसी बातें तो ना करो, मैंने उनको कादियाँ जाके कहा था यही कि खुदा का खौफ करो, हम हजरत गुरु बाबा नानक को अच्छा समझते हैं तो अपनाते हैं। तो कदर मुश्तरक आप हैं, और ये तारीखी हकीकत है कि हजरत गुरु बाबा नानक के चोले पर जो आज तक डेरा बाबा नानक में महफूज पड़ा है, कुरानी आयात लिखी हुई है, सूरह फातिहा लिखी हुई है, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ मौजूद है, उसकी तस्वीरें हमने शाया कर दी हैं, और आज तक किसी सिख ने इनकार नहीं किया। ये उनकी शराफत है, मैं उसको तस्लीम करता हूँ कि इस बात का इनकार कर दें, खामोश हो जाएंगे लेकिन इसका इनकार नहीं करते। और उज़र ज़रूर पेश किए जाते हैं कि एक मुसलमान और बुज़ुर्ग औरत ने जो नेक बीबी थी उसने हज़रत बाबा जी को ये बुन कर दे दिया था, उस पर लिखनी थी, इसलिए बाबा जी नरम दिल के आदमी थे, हुस्न सलूक की खातिर पहने रखा। मगर अकीदे के खिलाफ कोई सच्चा इंसान हुस्न सलूक की खातिर ऐसी बात नहीं किया करता, इसको मुदानत कहते हैं। अगर आपका अकीदा इसकी तायद में ना होता तो नामुमकिन था कि हज़रत बाबा जी इस चोले को पहनते किसी की दिलदारी की खातिर, जबकि उनके अकीदे के ख़िलाफ़ बातें दर्ज होती। इसलिए मैं तो हज़रत गुरु बाबा नानक को एक मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर समझता हूँ, जिन्होंने इबादत भी की, जिन्होंने हज भी किया, जिन्होंने हिंदुओं में बुतपरस्ती के ख़िलाफ़ एक जहाद किया, और बहुत से सूफ़ी मनश मुसलमान कसरत से आपके साथ शामिल हुए। ये इस बात का सबूत है उनका शामिल होना कि उन्होंने मुसलमान ही समझा। और लुत्फ़ की बात यह है कि उनमें से एक के ख़िलाफ़ भी इर्तदाद का फतवा नहीं हुआ, एक के ख़िलाफ़ भी कोई मूवमेंट नहीं चली पंजाब में कि ये, हालांकि मुसलमान उस ज़माने में बड़े सख्त हुआ करते थे और मौलवी बड़ा मुतसिब था, किसी ने ये नहीं कहा कि ये देखो ये अपना दीन छोड़कर बाबा नानक के दीन पर चले गए हैं, इनको मारो कत्ल करो। सब में वो बराबर के थे। ठीक है जी, ये शख्सियत जो है ये हमें जोड़ने वाली है। यस, तो ये क्वेश्चन मैं इस वास्ते पैदा किया था कि अगस्त का जरा पिछला में इसी साल अगस्त में मैं इंडिया गया, वहाँ पे एक टाउन है फरीदकोट। अच्छा, फरीदकोट में जानता हूं मैं, एक बिल्डिंग में बाबा फरीद की तस्वीर है, मॉस्क है, और दूसरी जगह वो गुरुद्वारा है। ठीक है, सो बिल्कुल सही है। और भी तारीखी ऐसे शवाहद हैं जो हैदराबाद सिंध में दरिया के किनारे या दो दरियाओं के दरमियान एक जगह वाकया है, जहां हिंदुओं का वो फ़िरका जो हजरत गुरु बाबा नानक को सच्चा समझता है और उन्हीं का पैरव है, उनके पुराने कागजात और तस्वीरें वगैरह मौजूद हैं, और वहाँ इस बात के शवाहद कसरत से मिलते हैं जो आप बयान फरमा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मेनी थैंक्स। हजूर, अगला सवाल जनाब रेहान अली साहब जो नॉर्बरी से तशरीफ़ लाए हैं उनका है। जनाब रेहान कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? नॉर्बरी। अस्सलाम वालेकुम रियाज अहमद साहब, फरमाइए कितनी दूर से आए हैं आप? नॉर्बरी से आए हैं जनाब। कितनी दूर है यहाँ से? जा सकते हैं घंटे का। घंटे का सफर? अच्छा, अगर बस के जरिए है। ठीक है, ठीक है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, अभी जैसे आप एक आयत के लफ्ज़ दूसरे आयत के लफ्ज़ से तशरीह कर रहे थे और एक आयत के दूसरे आयत से तशरीह कर रहे थे, सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि तशरीहात करने वाले कौन से साहब हैं? ठीक, क्योंकि कुरान शरीफ एक अरबी लफ्ज़, अरबी अल्फाज, अरबी लब लहजे में हुआ है, तो बाद में उसके हम लोगों के लिए तशरीहात तशरीहात होगी। ये सबसे बड़ी मुश्किल है जो हम महसूस करते हैं। सिर्फ जो आपने बात उठाई है ना जी, नहीं मैं भी थोड़ा और कुछ आगे जान सकता हूँ अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें प्लीज। तो उसमें कहने का मतलब ये कि अगर उसकी तशरीह चाहे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु करें, चाहे सैयद आशा रज़ी अल्लाह अन्हु करें, चाहे इमाम अबू हनीफा करें, असल माखर तो होते हैं जैसे कि कह सकते हैं दस्तार की हरतार की तहकीक है लाजिम, क्योंकि कुरान शरीफ की शरी तफसीर वो अहदीस से ही मिलती है। मैं इस सूरत में इमाम उज़ाई का, इमाम उज़ाई ने इमाम मकबूल का कौल नकल किया है तर्जुमान अल सुन्ना में, वो कहते हैं कि इमाम मकबूल ने कहा कि कुरान मोहताज है सुन्नत की तरफ बनस्बत सुन्नत कुरान की तरफ।
तो इस सूरत के अंदर में सीधे अहदीस की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान उतारा तो उसके लिए ज़रूरी था कि कोई आदमी ऐसा हो जो उस पर मतलब वाज़ह अल्फाज के अंदर तशरीहात कर दिया गया, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूद में। हाँ, ये वसी सवाल है आपका। मैं पहले जो जवाब देने लगा था वो निस्बतन मुख्तसर था जी। अगर ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा सा आगे तो पहले ही काफ़ी बड़ा हो गया है जी। मैं समझ इसमें मैं समझता क्योंकि इसके अंदर चले आप ख़त्म कर लें, क्योंकि इसके अंदर बे इंतहा जो उनसे ना इल्मी बात, इल्म हदीस में, इल्म फ़िक़्ह में सब कुछ इसमें आया था, लेकिन सिर्फ एक जो ख़लीश है ना दिल में वो ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। अब जब हम कुरान की वो आयत जो सूरह अहज़ाब के शायद 39 में आयत है जिसमें आप अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम नबीयीन बनाया और किसी को और आपको कोई बेटा नहीं बनाया, ठीक। और अगर हम अहदीस की तरफ जाए तो वो उस कुरान की आयत की मुकम्मल तस्दीक करती है। अब एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि कोई एक हदीस ऐसी होती है जो सिर्फ एक दर्जे तक जाती है, जबकि ये अहदीस तवातर के हद तक, हदीस मुतवातर के हद तक पहुँच चुकी है। देखिए, आपने जो सवाल उठाया था एक उसूली सवाल हदीस और कुरान के ताल्लुक से मुतल्लिक था। सर इसका ताल्लुक बनेगा, और अगर सिर्फ यही इसी सवाल का जवाब चाहिए जो आखिरी दिया है तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। आपने जो तासुर जो मैं समझा हूँ वो ये दिया है कि पहली बात सवाल नहीं थी बल्कि तमहीद थी। वो तमहीद ये थी कि कुरान करीम को समझने के लिए हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला ज़रूरी है, और अगर कुरान की तशरीह अहादीस में मौजूद हो तो उससे इख्तलाफ का किसी को हक नहीं, दुरुस्त है ना। लेकिन ये इससे ये मुझे तस्लीम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसे आ जाती हैं जो अहादीस हैं, आपको यकीनन पता हो कि अहादीस के भी 53 दर्जे हैं कि कुछ ज़ईफ़ में कुछ मरफू में। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ठीक, बिल्कुल सही, मैं उसमें नहीं जाना, उस बहस में नहीं पढ़ता, ठीक। तो मैं जो बयान करूंगा आपके सामने, मेरा ख्याल है आपके जो शकूक हैं उन सब का हल आ जाएगा। अगर रह गया कुछ तो आप फिर आ जाइए, बेशक खड़े रहें, ठीक। पहले मैं जमात अहमदिया का मसलक रखता हूं आपके सामने ताकि इससे अगर कोई इख्तलाफ हो तो अभी मुझे बता दें। जमात अहमदिया का मसलक ये है कि कुरान काजी है और हदीस काजी नहीं है। किताबुल्लाह अव्वल और हदीस उसके ताबे, उसका सबूत खुद कुरान में भी मौजूद है और हदीस में भी मौजूद है। कुरान करीम फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स से कोई बात नहीं कहते, अब कुल्लियतन मबनी बर वही बात करते हैं जिसका कलाम इलाही में ज़िक्र है, वही बात करते हैं। इससे साबित हुआ कि सच्ची हदीस वही है जिसका कुरान से तजाद ना हो, ठीक। अगर तजाद हो तो हम ये नहीं कहते कि हदीस होने के बावजूद गलत कर दो, हमारा मसला यह है कि वह हदीस हो ही नहीं सकती, बिल्कुल सही समझ गए। इसलिए हदीस ज़ईफ़ और कम गरीब की बहस नहीं मैं करूँगा, मैं सिर्फ ये करूँगा बहस कि अगर कुरान करीम से कोई हदीस टकराती हुई दिखाई दे तो हर मोमिन का फ़र्ज़ है या तो टकराव दूर करे या उसको हदीस मानना छोड़ दे, वरना ये मानना पड़ेगा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कुरान से मुतसादिम था, ये हो ही नहीं सकता, मुतजाद नहीं था। जैसे कि आपने भी इरशाद फरमाया कि जो उनसी आयत आपने बताया कि अल्लाह ताला जो वही करते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं, तो ये आयत भी तो वो आयती वजह सकते हो मैंने ये नहीं बता देते हैं, मैंने मेरी तरफ गलत बात ना मनसूख, अभी अभी शुरू हो गई, अभी जो 400 साल बाद जमा हुई थी वो तो कई बातें गलत मनसूख कर गई होंगी। मेरे होते में आपने मेरी ये गलत तशरीह कर दी, तो इससे अंदाज़ा करें कि हदीसों का ज़माने के गुजरने से क्या हाल हुआ होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए जितने भी मुहद्दिसीन हैं उन्होंने एक इल्म मुकर्रर कर दिया किसी हदीस के जांचने के लिए, कि अगर कोई आदमी इल्म उसी इल्म से जांचने के बाद जी दूसरे मुहद्दिसीन ने उन सब हदीसों का इनकार कर दिया जिनको उन्होंने उस इल्म के रूप से सच्चा साबित किया। मसलन बैकी जी, बैकी की अक्सर हदीसों के मुतल्लिक इमाम बाकी कहते हैं कि सहाय सित्ता की शरायत के मुताबिक हैं, और अहमा हदीस चोटी के इस बात को रद्द कर रहे हैं, कहते हैं बैकी कहता है उसके मुताबिक हैं,
اگر وہ مطابق ہیں تو ایسی ایسی لغو باتیں اس میں موجود ہیں کہ اس کے نتیجے میں نہ قرآن کا کچھ باقی رہے گا نہ حدیث کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کا. پھر اس لیے بات سن لیجیے, اب آپ اس بحث کو لمبا کرنے کی بجائے میرے اصول پر اعتراض کیجئے, میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں فیصلے کا, اس میں غلطی دکھائیے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کو حاکم مانے اور قرآن پر کسی اور چیز کو حاکم نہ مانے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کر سکتے, یہ مطلب نہیں ہے. میں اسی لیے وہ آیت پڑھی تھی. یہ مطلب ہے کہ قرآن کی صحت کے متعلق تو دشمن بھی قائل ہے, شدید مخالفین بھی مان گئے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی, مگر احادیث کے متعلق ان کو صحیح ماننے والے بھی بہت سی احادیثوں کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیک تھی بھی کہ نہیں. دوسرے ان اصولوں کے ذریعے ٹھیک ماننے کے باوجود ان لوگوں کی راہ میں دقتیں تھیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں. مثلا حضرت امام بخاری, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنی یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح احادیث اس کتاب میں موجود ہیں. اس کے باوجود حضرت امام بخاری یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حدیثوں کی تلاش میں نکلتا تھا, سفر کرتا تھا, تو عجیب عجیب باتیں میں نے دیکھیں. ایک جگہ آپ پہنچے جہاں پتہ چلا کہ جس حدیث کی تلاش میں یہ نکلے تھے کہ کس نے بیان کی ہے, وہ ایک صوفی نے بیان کی ہے جو ایک کمرے میں جو بیسمنٹ تھی اس میں رہتا تھا اور بہت بزرگ ہر وقت غرق رہتا تھا علمی کاموں میں. آپ اس کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا یہ حدیث تم نے کس سے سنی تھی اور اس نے کس سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے آپ بنائی ہے, آپ بنائی. انہوں نے کہا یہ دیکھو سارا انبار جو لگا ہوا ہے سارا, یہ سب میں نے خود بنائی ہیں. اور حضرت امام بخاری نے 600,000 حدیثوں میں سے یا کم و بیش لاکھوں حدیثوں کہہ لیجیے, ان میں سے 6,000 کچھ حدیثیں چنی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں قطر بیوند اور بہت سی بناوٹی باتوں کا دخل شروع ہو چکا تھا. بس ایک ہی اصول ہے جس پر حدیث کو قطعیت کے ساتھ جانچا جا سکتا ہے, اگر قرآنی مضامین کے مطابق ہو تو اس کو رد کرنے کا کسی کو حق نہیں, اگر مخالف ہو تو یا تو صلح پیدا کرو, تشریح بناؤ. اگر عقل تشریح کو تسلیم نہیں کرتی تو ہر ایسا شخص جو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان دو حدیث اور قرآن میں تطابق ہے, اس کا فرض ہے کہ قرآن کو تسلیم کرے اور حدیث کو درست نہ سمجھے. سمجھے ہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے, کہہ سکتے ہیں, نہ بھی کہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی کس طرح پتہ کرے گا کہ یہ تضاد ہے؟ مختلف علماء نے باتیں کہیں ہیں, ہم کس کی مانیں؟ قرآن کریم نے اس کا ایسا حل پیش کر دیا کہ اس کے بعد کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں. قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں یہ فیصلہ فرما دیا, ہدل للمتقین, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, مگر متقی ہی ہدایت پائیں گے اور غیر متقی ہدایت نہیں پا سکتا. متقی کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا, فرمایا لا تزکو انفسکم ہوا عالم و بمن اتقا, اپنے آپ کو مزکی نہ کہا کرو, پاک نہ کہا کرو, اللہ ہی جانتا ہے متقی کون ہے. اس لیے آپ کا معاملہ اور میرا اور ہم سب کا حل ہو گیا. حل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح میں کوئی شخص اگر ایک حدیث پیش کرتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے میرے نزدیک اس کا تصادم ہے اس لیے تسلیم نہیں کرنی چاہیے, ایک آدمی کہتا ہے کوئی تصادم نہیں ہے تسلیم کرنی چاہیے, تو اختلاف کی صورت میں ہر انسان کا تقویٰ اس کی مدد کرے گا. اگر کوئی اپنے نفس میں سچا ہے اور سچائی سے چمٹ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو پھر کوئی خوف نہیں ہے جو فیصلہ بھی ہو. سر ایک سوال, میرا اصول یہ جتنا میں نے بیان کیا ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے اس میں کون سی بات غلط کہی ہے. بالکل صحیح, کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آدمی متقی ہو تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا کہ ہدایت مل جائے گی اس کو, ٹھیک ہے, وہ متقی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھا کہ بھائی تم نماز پڑھ لو,
تم روزہ رکھ لو, تم حج کر لو, تم زکوٰۃ دیتے, لیکن اس سب چیزوں کی تشریح نہیں فرمائی, تو اس کے لیے میں ضروری ہوں محتاج ہو کے سنت کے. اب وہ بحث ایک الگ ہے, آپ خام خواہ اس کو بیچ میں چھیڑ رہے ہیں, میری بات سن لیجئے. سنت کے ذریعے ہم محتاج ہیں ان آیات کو سمجھنے پر, بلکہ تشریح کے لیے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے محتاج ہیں. اس سے ہرگز انکار ممکن نہیں, جو انکار کرے گا اس کا اسلام ہی خام ہو جائے گا. اس سے میں نے کہیں انکار نہیں کیا, میں صرف یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر اس سنت سے ایک شخص یا ایک فرقہ ایک استنباط کرتا ہے اور کوئی دوسرا فرقہ یا شخص اس سے دوسرا استنباط کرتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ صورت ہے کہ آپ کے نزدیک دیانتداری سے جس طرف قرآن ہو اس کو مان جائیں, دوسرے کو بشک چھوڑ دیں, اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا. پھر اس طرح تو پھر یوں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو صرف قرآن اتار دینا چاہیے, نبوت ختم کر دینا چاہیے. نہیں کیوں کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سننے, آپ نے تو ایسی بات کی ہے جو میں نہ کہی نہ عقل مان سکتی. نہیں میں آپ کی اس بات کی میری بات کا نتیجہ نکال کے آپ نے کہی, یہ جائز بات نہیں. دیکھیں آپ کو کجبیسی کی عادت لگ رہی ہے, معاف کرنا. نہیں بالکل نہیں, میرا صرف جو آپ نے, میں نے جو سیدھی سادھی بات کہی اس سے کوئی بھی وہ بات نہیں سمجھا جو آپ سمجھے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ محمد رسول اللہ یا کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی صرف کتاب اتر جائے؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ کا احتیاج پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, کل بھی جاری رہے گا. اور سنت اور فرمان محمد مصطفیٰ سے ہٹ کر جو شخص فیصلہ کرے گا وہ گمراہ ہے. اتنی ضرورت میں مان بیٹھا ہوں اور آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ پھر خالی قرآن کیوں نہ اترایا. قرآن اتر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے, سنت بھی موجود ہو گئی, اور ابھی حال یہ ہے ہمارا کہ پھر بھی 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس لیے اترنا تو کتاب کا اترنا ایک نبی کو چاہتا ہے. ایک نبی ہی قرآن کتاب کی تعلیم کو صحیح سمجھ سکتا ہے اور وہی جاری کر سکتا ہے اس سنت کو جو اس نے کلام الہی سے سمجھی ہے. اس کی محتاجی سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے. یہ بحث تو کبھی اٹھی ہی نہیں, نہ میں نے یہ بات کہی کہ آزاد ہے. میں نے یہ کہا آج اس مقام پر جب ہم اس طرف نظر کرتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ تھے تو 72 آوازیں سنائی دیتی ہیں. ایک آواز کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ سنت پیچھے چھوڑی تھی, ادھر آ جاؤ. ایک آواز کہتی ہے وہ سنت پیچھے چھوڑی تھی. ایک کہتی ہے نہیں, دونوں غلط, یہ سنت پیچھے چھوڑی تھی. شیعہ آواز دیں گے کہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ہاتھ نہیں باندھتے تھے, دونوں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. سنی آواز دیں گے بالکل غلط, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اہل حدیث کہیں گے کہ جب اللہ اکبر کے رکوع سے اٹھتے تھے تو پھر ہاتھ کھڑے کر لیا کرتے تھے, ہر آواز کے وقت رفع یدین ہوا کرتا تھا. باقی پھر کہیں گے کہ غلط غلط, بالکل نہ ماننا. اس صورت حال کا حل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ضرورت سے انکار کو میں کفر سمجھتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اختلاف شروع ہو جائیں, جب آوازیں یہ اٹھیں کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا, آپ کی سنت کا یہ مطلب تھا, اس صورت میں اول قاضی قرآن ہوگا. اور ہر شخص اگر دیانتداری سے تقویٰ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے تقویٰ کے ذریعے پہچانے گا. اگر تقویٰ سے فیصلہ ہو تو اگر غلطی بھی ہو جائے تو سزا نہیں ملے گی, برکت سے محروم رہ سکتا ہے. غلطی کا نتیجہ تو ضرور بھگتے گا لیکن عذاب کی صورت میں نہیں. مثلاً اگر آپ ایک ٹریفک رول کو کے پابند رہتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ غلطی ہے, غلطی کی سزا تو مل جائے گی, مگر ملکی قانون آپ کو کوئی سزا نہیں دے گا. اگر آپ نے قانون بھی توڑا ہو اور پھر ایکسیڈنٹ کیا ہو تو ساری ذمہ داری آپ پر آ پڑے گی, چوٹیں بھی لگیں گی, کار بھی ہاتھ سے جائے گی, اگلے کا جرمانہ بھی آپ ہی بھریں گے. تو یہ مضمون ہے وہ تقویٰ کا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن یہ ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اختلاف کی صورت میں قرآن سے سمجھنا چاہو تو یہ کتاب شک سے پاک ہے, تمہیں صحیح رہنمائی کر دے گی, لیکن شرط تقویٰ ہے. بس اگر ایک شخص کہے کہ میں نے تقویٰ سے فیصلہ کیا ہے
اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. کوئی اور شخص کہے میں نے بھی تقویٰ سے فیصلہ کیا ہے, میں تمہارے نتیجے کو رد کرتا ہوں, تو جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, کیونکہ تقویٰ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, ہم کیوں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں. آپ اس کو کہیں بہت اچھا, میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری سوچ درست تھی, تمہیں حق ہے, تم اپنی سوچ کی درستی مجھے سمجھاؤ. اس سے آگے ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالیں, اور اگر اس حالت میں مرے اور غلطی بھی ہوئی تو چونکہ اپنی دانست میں دیانتداری سے فیصلہ تھا, خدا اس پر نہیں پکڑے گا کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. یہ میرا مسلک ہے. اس میں کوئی خرابی کوئی نقص دیکھتے ہیں تو متوجہ فرما دیں. ٹھیک ہے, شکریہ. حضور اگلا آخری سوال ہے جی, اور وہ ہے جناب سید نثار علی رضوی صاحب چونڈا, چونڈا ضلع سیال کوٹ. ہم جانتا ہوں, ہم چونڈا ہی پڑھا کرتے تھے, پتہ نہیں یہ خود بتائیں گے کیا ہے. چونڈا چونڈا ہے کہ چونڈا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس شرف پر شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پہلی بار یعنی زیارت نصیب ہوئی. میں یہاں ایز اے وزٹر آیا ہوں اور ڈاکٹر ظفر صاحب کی معرفت مجھے یہاں آنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آئیں, مجھے اس تقریب یعنی با مقصد اس تقریب سے بہت متاثر ہوا. جزاک اللہ, شکریہ. تو میں نے جو دو سوال لکھے تھے, مگر پہلے میرے سوال کا جواب تو دے دیں کہ جی چونڈا ہے کہ چونڈا ہے؟ چونڈا جی. چونڈا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, شکریہ, سوال کیجیے. اور وہاں پاکستان میں اس کو نمبر دو ربوا کہتے ہیں. ہاں, وہاں احمدیوں کی کافی تعداد موجود ہے, اور وہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سیالکوٹ کو نمبر دو قادیان کہا تھا. جی جی, بس کہ قادیان کے بعد نمبر دو سیالکوٹ ہے میرے لیے, تو چونڈا ربوا کا نمبر دو ہو گیا, یہ مماثلت ہے آپس میں. تو میں نے یہ ایک سوال یہ لکھا تھا کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر آپ کا دیگر مکاتیب فکر سے کیا فرق ہے؟ اس سلسلے میں کچھ وضاحت آپ کے امام مسجد صاحب نے فرمائی, ٹھیک ہے, اور آپ نے بھی کچھ سوالوں کے جواب میں کچھ بات کی جو میں اس لیے اس پر زیادہ زور نہیں دیتا. تو دوسرا جو میرا سوال ہے, بشک زور دیں, ہاں جی, وہ وجہ یہ ہے کہ بہت اہم مسئلہ ہے. جی جی, اور مسلمان خواہ وہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہوں یا غیر اسلامی ممالک میں, یورپ میں یا کسی اور جگہ, وہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ ان کی اکثریت, سب نہیں ان کی اکثریت ہیپوکریسی کا شکار ہے. ٹھیک, اور اکثر ان لوگوں کو دہشت گرد, مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کے لیے, آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے آپ کی جماعت نے یا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ میرا شکریہ بہت بہت. یہ دونوں سوال بڑے عمدہ ہیں. یہاں بے شک آپ بیٹھ جائیں یا کھڑے رہیں, آمنے سامنے بات رہے گی. ہاں, پہلے سوال کے جواب میں ایک بات میں جو آج کل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور بہت سے ایسے مسلمان جن کو زیادہ قرآن کریم اور حدیث کا علم نہ ہو وہ اس جواب کو نسبتاً جلدی تسلیم کر لیتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. ایک صاحب نے جو سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں زیادہ پتہ نہیں, میں نے کہا یہی تو ہماری مشکل ہے. ایک ایسا شخص جس کو اپنے دین کا خود تفصیلی علم نہ ہو بلکہ سنی سنائی باتوں کو ہی دین سمجھ رہا ہو, اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ وہ پہلے یہی نہیں مانے گا کہ ترجمہ بھی درست کر رہے ہو کہ نہیں. یہ مشکلات ہیں, اس لیے یہ ایک ایسا طریق اختیار کرنے کی کوشش کی ہے میں نے جس میں ترجموں کی بحث ہی اٹھ جائے, سیدھی سادی دو ٹوک بات ہو. میرا مسلک یہ ہے کہ اگر دیانتداری سے آپ دیکھیں تو ہمارے مسلک میں خاتم النبیین کے متعلق اور غیر احمدی علماء کے مسلک میں اصولاً کوئی بھی فرق نہیں ہے.
100% ही एक मसलक है, फ़र्क है तो तायुन में फ़र्क है, ये वो इमाम है कि नहीं जिसने आना था, ये फ़र्क है सिर्फ, हकीकत में कोई फ़र्क नहीं। उसकी वजह यह है कि तमाम उलमा जो जमात अहमदिया को कहते हैं, इन्होंने मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम के बाद एक नई नबी की आमद के तसव्वुर से, खा उम्मत ही उसको कहते हों, उम्मत में खलल डाल दिया और ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा को छीन कर एक ऐसे शख्स के सर पर रख दिया जो झूठा और इफ्तरा करने वाला था, और ये बेगैरती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उम्मत मोहम्मदिया किसी कीमत पर इसको कबूल नहीं कर सकती, ये उनका मौलवियों का ऐलान है। और आपने जो बात की कि अक्सरियत मुनाफिक हो चुकी है, ये उन पर भी सादिक आ रही है, क्योंकि मैं अभी साबित करता हूँ कि ख़ुद उनका ये अकीदा है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातम नबीयीन होने के बावजूद एक आने वाला मसीह ऐसा आएगा जो नबीउल्लाह होगा, और जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दारा इस्लाम से निकल जाएगा, और उसका नाम है मसीह इबन मरियम। ये दुरुस्त है या गलत है? 100% दुरुस्त। ये तमाम अंबिया जो ख़ातम नबीयीन की ये तशरीह करके हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो मुत्तफिक हैं इस बात पर कि ख़ातम नबीयीन के बावजूद, बावजूद इस माने में कि अब कभी कोई नबी नहीं आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना हैं, वो ज़रूर दोबारा आएंगे और ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सर पर रखेंगे, ये भी मानते हैं। वजह यह है कि पुराना ईसा अगर दोबारा आए तो कुरान तो कहता है रसूलन इला बनी इसराइल, ये इसराइल का रसूल है, उम्मत मोहम्मदिया पे कैसे बादशाही करेगा? जब तक मोहम्मद रसूलल्लाह का ताज ना सर पे रखे, उसको इख्तियार ही कोई नहीं है उम्मत मोहम्मदिया का सरदार बनने का। तो दो बातें मान ली इन्होंने कि नबूवत उन मानों में बंद नहीं है जिन मानों में हम कहते हैं, हमारा कहना और है, हमारा अकीदा और है। हमारा अकीदा ये है कि नबूवत इन मानों में जारी है कि नबूवत की ज़रूरत रसूल सल्लम के विसाल के बाद भी ज़रूर पड़नी है, ज़रूरत नबूवत ना हो तो मसीह क्यों आएगा और नबी के तौर पर क्यों आएगा? क्या इंसान अगर बेज़रूरत बात करे उसको तो आप बेवकूफ़ और अहमक कह देते हैं, क्या खुदा की तरफ भी ये मंसूब कर सकते हैं कि एक बेज़रूरत काम करे? एक तरफ नबूवत की ज़रूरत बंद कर दी और दूसरी तरफ नबी बुला लिया, वो भी पुराना रखा हुआ 2000 साल से उसको संभाल के रखा हुआ है कहीं, क्यों रखा अगर ज़रूरत नहीं थी? तो ज़रूरत भी मान गए और नबी का आना भी मान गए, एक सिर्फ उज़र पेश करते हैं जो इख्तलाफ़ है, वो सिर्फ इतना कि पुराना आएगा या नया आएगा? आएगा तो ज़रूर। वो कहते हैं नया नहीं आ सकता, इससे ख़त्म नबूवत टूटेगी, और इसी मसले का हल तो अल्लाह ने किया है कि नया आना बंद करके अल्लाह को याद आया कि ज़रूरत तो पड़ जानी है, मैं बंद कर बैठा हूँ तो क्या करें? तो अल्लाह ने पहले से सोच रखा था कि पुराने मसीह को ज़िंदा रख लूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ले आऊँगा और कहूँगा देखो ख़त्म नबूवत नहीं टूटी, वो दूसरी तरफ से आ गया है, पहले को दोबारा बुला लिया। ये अकीदा है, बैन ही यही अकीदा है जो आपकी नुमाइंदगी में, आप मासूमों की नुमाइंदगी में जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रही है बात, मौलवी कहते हैं ये दुरुस्त इस्लामी अकीदा है, हम कहते हैं ये गलत है। असल बात ये है ख़त्म नबूवत जिन मानों में तुम मानते हो तब साबित हो सकती है कि नबूवत की ज़रूरत बंद हो जाए, अगर नबूवत की ज़रूरत बंद हो जाए तो फिर ना पुराने नबी की ज़रूरत है ना नए नबी की ज़रूरत है। अगर बंद नहीं हुई, ज़रूरत बंद नहीं हुई, तो बंद करने वाला ज़ालिम हो जाएगा, दुनिया को मोहताजी है और किसी ने बंद कर दी है। प्यासों के लिए पानी बंद करना तो बड़ा जुल्म है, हाँ ये कह दिया जाए कि प्यास दुनिया से उठ गई फिर पानी बंद हो, जायज़ बात है, मगर नबूवत के नबी के आने के दोनों बराबर कायल हैं, कोई फ़र्क नहीं। अब फ़र्क है तो किस तरह का नबी आएगा, ये बहस है सिर्फ।
वो ये कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में से किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की मुती नबूवत अता नहीं की जाएगी, क्योंकि नबूवत का देना बंद हुआ है, नबी का आना बंद नहीं हुआ। अगर आना भी बंद हो तो मसीह भी नहीं आ सकता, ये बात वाज़ेह हो गई ना बिल्कुल। अगर नबी का आना ही बंद हो जाता तो मसीह कहाँ से आ जाएगा। वो कहते हैं नबूवत की अता बंद हुई है, किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। पुराने नबी का दोबारा इस्तेमाल, पुराने कपड़ों का नया इस्तेमाल मुरम्मत करके ये जायज़ बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये फ़र्क है सिर्फ। हमारा अकीदा ये है कि ये इस्लाम की हतक है जो तुम मान रहे हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। वजह यह है कुरान की भी हतक है। कुरान ने ये बात जो लिख दी रसूलन इला बनी इसराइल, तो हमेशा के लिए उस रसूल को इसराइल के पाबंद कर दिया। वो अगर ये दावा करे आके ऐ उम्मत मोहम्मदिया मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नबी बनकर आया हूँ, तो कुरान को झूठा मान के फिर उसको सच्चा मानेंगे? एक वक्त में दोनों को सच्चा कैसे मान लेंगे? जहाँ उसको सच्चा माना वहाँ कुरान झूठा हो गया, जहाँ कुरान को सच्चा माना वो कहने वाला झूठा हो गया। इसलिए उसके हक में कोई दलील ही नहीं बनेगी कि उसको हक हो उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनने का। दूसरी बात जो सबसे अहम ये है कि पहला आलमी नबी कौन था? हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलमगीर तालीम किसकी थी जिसको खुदा ने फरमाया कुल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, कह दे ऐलान कर दे कि ए तमाम इंसानों मैं तुम सब की तरफ जमीअन इकट्ठा रसूल बना के भेजा गया हूँ। कभी मूसा ने ऐलान किया था? कभी किसी और नबी ने किया था? नहीं किया। तो वो नबी खुदा चुन रहा है इनके कहने के मुताबिक, जिसको बनी इसराइल का नबी कहकर वहाँ महदूद कर दिया। अब वो जब दोबारा आएगा तो उसे लाजमन एक और किस्म की नबूवत खुदा को देनी पड़ेगी जो आलमी नबूवत है, और वो ख़त्म नबूवत को तोड़ देगी जो इनकी ख़त्म नबूवत है। अगर खुदा उसको आलमी नबी बना के ना भेजे तो उसका हक ही नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा के मामलात में दखल दे। अगर आलमी बनाया तो लाजिम हुआ कि उसको वो नबूवत नहीं मिली, वो काफ़ी नहीं थी, उसके अलावा उसकी नबूवत में वसअत अता की गई है, उसकी शान बढ़ा दी गई है, तो और नबी अता नबूवत बनाना क्या होता है। फ़र्क ये हुआ, हम कहते हैं कि खुदा ताला को उम्मत मोहम्मदिया में जो इस्लाम मकसूद थी या है वो ग़ुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी करने की अहलियत रखते थे, उन्हीं में से जिसको खुदा ने मुनासिब समझा उसको उम्मती नबी बना दिया। वो कहते हैं गलत, बाहर से लाकर मूसवी उम्मत के नबी को खुदा तुम्हारी इस्लाह के लिए लाएगा, इसमें शान मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब शान कैसी हो गई? एक घर पे डाका पड़े, बच्चे कमज़ोर हों, वो अपना दिफा खुद ना कर सकें, हमसाया छलांग मार के आए और डाकुओं से बचा ले, तो बच्चे कहें हमने तुम पर बड़ा एहसान किया है, तुमने हमें बचा लिया। ये कोई मकबूल बात है? बचाने वाला ही मोहसिन हुआ करता है। बस आखिरी मोहसिन का मजमून भी इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। फैज़ का आखिरी चश्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह है और कुरान है, और मुमकिन नहीं कि कोई पुराना नबी फैज़ रसानी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद आए। और जो आपके सर चश्मे से ही फैज़ याफ्ता हो, आप ही का नूर जारी करे, वो नबी हो या गैर नबी हो, वो एक ही बात है, बादशाह का खादिम है। जो मौलवी कुरान की तालीम जारी करते हैं वो कहाँ से नया फैज़ तो नहीं लाते ना, कुरान से लेते हैं, इसमें कोई गुस्ताखी है? जो वली करते हैं वो भी यही काम करते हैं, जो कुतुब करते हैं वो भी यही काम करते हैं, सिद्दीकों ने भी यही काम किया। तो अगर उम्मती नबी वही काम करे तो गुस्ताखी कैसे हो गई? उसने ताज नहीं छीना, मसीह अगर आएगा तो वो ताज छीनेगा। दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि महदी के मुतल्लिक वो कहते हैं महदी तो हम मान सकते हैं, बात कहते हैं महदी तक तो ठीक बात थी, अगर जो उस पर भी शक है, मगर नबीउल्लाह कैसे हो गया? चुनाचे एक फ़िरका हमारा ही एक अहमदियत का फ़िरका लाहौरी फ़िरके के नाम से आज भी जारी है,
जो कहते हैं कि इमाम महदी तक हम जाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, मसीह मान लेंगे नबी के बगैर, इमाम महदी मान लेंगे नबी के बगैर। अव्वल तो जब मसीह माना और नबी ना माना तो रसूल सल्लम के इस फरमान से बाहर निकल गए कि आने वाला मसीह नबीउल्लाह होगा, रसूल सल्लम का भी इनकार हो गया। दूसरी बात यह कि महदी बगैर नबूवत के हो ही नहीं सकता, अक्ल के खिलाफ बात है। इन्हीं उलमा से आप खुद ये सवाल करके देख लीजिए, वो आपको वही जवाब देंगे जो मैं उनकी तरफ से आपको अब देता हूँ। आप उनसे पूछें कि जनाब मिर्ज़ा साहब तो झूठे हो गए, कोई इमाम महदी आएगा कि नहीं आएगा? इंतज़ार में उम्रें गुजर गईं, नस्लें तबाह हो गईं, आएगा कि नहीं आएगा? क्या जवाब देंगे? नहीं आएगा। मैं भी मुंतजर का कायल हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपका जिस तरीके से भी ताल्लुक हो, इस बारे में इत्तफाक है, इमाम महदी जरूर आएगा, दुरुस्त है ना? लेकिन आपने जो हज़रत ईसा बताया वो सुनियों का इत्तेकाद है, हमारा ये इत्तेकाद नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपका भी है। नहीं, मैं आपको बता दूंगा, अभी साबित कर देता हूँ। मेरा जाती तौर पर जाती नहीं, आपका हो या ना हो, शियों का इत्तेकाद है। इसलिए कि वो मानते हैं कि पहले इमाम महदी जाहिर होगा, फिर मसीह आसमान से उतरेगा, और इसमें तमाम अइम्मा की गवाही मौजूद है। शिया अइम्मा के अकवाल हैं कि महदी पहले नाजिल होगा, मसीह बाद में नाजिल होगा। मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, बस यही मैं कह रहा था। ठीक है, अगली सुनिए। उनसे पूछें कि शिया हो या दूसरे सुन्नी मौलवी, एक ही जवाब होगा, इमाम महदी आएगा कि नहीं आएगा। उसको आप इंतखाब करेंगे उसका, या ईरानी हुकूमत मुकर्रर करेगी, नहीं, नहीं, या सऊदी अरब? ये अहदे तो मिन जानिब अल्लाह है, वही बनाएगा जो इमाम बनाया करता है। क्यों है, इमाम कोई बंदा नहीं बना सकता, अल्लाह बनाएगा ना। बिल्कुल, और अल्लाह उसको इमाम मुकर्रर कर देगा, भी वही मुकर्रर करता है इमाम, और फिर इमाम बनाकर तुम्हें छुट्टी दे देगा, चाहो तो इनकार कर दो। अल्लाह जब इमाम बना देगा किसी को, तो लोगों को इजाजत होगी इसको बेशक काफिर जहन्नमी जो मर्जी करार दो, तुम्हें छुट्टी है। हो सकता है ये? कभी नहीं हो सकता। जो खुदा के बनाए हुए इमाम का इनकार करे, वो मोहम्मद रसूलल्लाह से काटा जाएगा। ये दुरुस्त है या गलत है? इसी को नबूवत कहते हैं। नबूवत की और तारीफ कर दें, नबी वो है जिसको अल्लाह मुकर्रर फरमाए, नबी वो है जिसका मानना जरूरी हो। आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, हर नबी का इकरार उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ करार दे दिया गया, गैर नबी को मानना ज़रूरी नहीं करार दिया गया। है कहीं ज़रूरी कि मौलवी को मानो फलां को मानो? तो इमाम महदी को क्यों माने फिर हम? इसलिए इनका हाल ये है कि बात कह भी जाते हैं, नहीं भी कहते। जहां इमाम महदी के आने का ताल्लुक है, जहां तक कहते हैं आएगा, उसके खसाइल और सिफात का जहां तक ताल्लुक है कहते हैं यही हैं। हम कहते हैं ये तो नबी की तारीफ कर रहे हो, तुम भूल गए हो, जब सिफात नबी की मंसूब कर दी तो कहने में क्या हर्ज है? कहते तुम कहते हो, हम नहीं कहते। यही हो रहा है ना हमारे साथ। इसकी वही मिसाल है, पहले भी कई दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन बड़ा लतीफा दिलचस्प है, जिन्होंने सुना हुआ उनको भी फिर दोबारा मजा आ जाता है, इसलिए कोई हर्ज नहीं दोहराने में। एक बादशाह का घोड़ा बहुत प्यारा था बादशाह को, और वो बादशाह बड़ा मुख्तदिर और जाबिर बादशाह था। उसको पता चला कि घोड़ा बीमार हो गया, उसका कोई इलाज ही नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मेरा घोड़ा इतना शानदार बादशाह, कौन होता है उसको मारने वाला? उसने कहा देखो, अगर मुझे किसी ने इत्तला दी कि मेरा घोड़ा मर गया है, तो मैं उसे फांसी चढ़ा दूँगा, इसलिए खबरदार है, इसको ज़रूर ठीक करना है, और मैं इसकी मौत की इत्तला सुनने का रवादार नहीं हूँगा। अब सारे खलबली मच गई, रऊसा व ज़रा इकट्ठे हुए, आपको इकट्ठा किया, उन्होंने कहा इलाज ही कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं, बादशाह का हुक्म नहीं, ज़िंदगी मौत पे खुदा का हुक्म चलता है। मैंने कहा चलेगा तो सही, पर मरेगा कौन? हमें तो सिर्फ इसमें दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि अजीब मुश्किल क्योंकि है नहीं, मशवरा के बाद ये फैसला हुआ कि गांव से लोग आते रहते हैं शहरों में,
जो देहाती अब आता दिखाई दे उसको पकड़ लो और उसको कहो कि बादशाह सलामत को इतला कर दो कि घोड़ा मर गया है। इतनी सी बात है, ये बात मशहूर हो गई थी। वो जिसको पकड़ा उसको भी पता था, उसने कहा मुझे मरवाते हो गरीब को, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जाओ हम बयान करते फिरो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं, तुम्हें इख्तियार जो हम दे रहे हैं वो दो हैं सिर्फ, बादशाह के हाथों मरना है या हमारे हाथों, तीसरा इख्तियार ही कोई। उसने कहा फिर ऐ मर्दूदों मैं बादशाह के हाथों मरता हूँ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे जैसे कमीने लोगों के हाथों मरना। मासूम आदमी को पकड़ के मौत में धकेल रहे, छुट्टी करो मैं जाके इतला देता हूँ। वो इन सबसे ज़्यादा अकलमंद था। उसने बादशाह से अदब से अर्ज किया, ऐ बादशाह सलामत मुबारक हो, सद मुबारक हो, आपका घोड़ा बिल्कुल ठीक है। बादशाह की तो बाछें खिल गई खुशी से, अच्छा अच्छा ठीक हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी मैं देख के आया हूँ कि कोई निशानी ठीक होने की, बताओ तो सही। उसने कहा जब मैं घोड़े की तरफ आ रहा था तो पहले एक फरलांग से उसके तड़पने की आवाज़ ज़मीन से आ रही थी और ज़मीन धमक रही थी साथ। अब जब मैं उस तक पहुँचा हूँ तो बिल्कुल साकित और जामित पड़ा हुआ है, कोई तड़प नहीं थी, इतना ठीक हो गया। बादशाह कुछ घबराया, उसने कहा और कुछ बात। उसने और बात यह कि जब मैं करीब पहुंचा था तो उसके सांस की ऐसी आवाज आ रही थी जैसे आरा चल रहा हो, और जब मैं करीब आया हूं तो बिल्कुल बंद, कोई आवाज नहीं आई। फिर एक और बात कि दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे उसकी छाती से नहीं बल्कि पहाड़ों से टकरा रहा हो। और फिर मैंने करीब होकर कान लगा के देखा, बिल्कुल बादशाह सलामत जर्रा आवाज नहीं आई, आराम से पड़ा हुआ। उस पर बादशाह का सब्र टूटा, उसने कहा बदबख्त ये क्यों नहीं कहते कि मर गया, कह रहा हुजूर फरमा रहे हैं मैं नहीं फरमा सकता। ये हुजूर कहते आपको जेब दे, बात खत्म हो गई। ये मौलवी हमसे ये कर रहे हैं, तारीफ वो करते हैं मादी की और मसीह की जो लाजिमन नबूवत की तारीफ है। जब हम कहते हैं कि फिर नबी क्यों नहीं कहते, कहते आप कह रहे हैं हम नहीं कह सकते, ये तो इंसाफ नहीं है, जायज़ बात नहीं है। जिस हकीकत को मानते हो उसका नाम लेने से क्यों डरते हो, और वो तशरीह क्यों करते हो कुरान की जो उस हकीकत के मुतसादिम हो। इसलिए वही आयत हल है जो मैंने पेश की थी, मैं युतेल्लाह व रसूला अउलाए कमाल लजीन आनमल्ला अलैहिम मिन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसनाउलाए का रफीका। ये उम्मत मोहम्मदिया है, रफाकत पे वो फख्र करेगा जिसको इस उम्मत की माइयत नसीब होगी, जो इन मोहम्मद रसूलल्लाह के साथ होगा, जो मोहम्मद रसूलल्लाह के ग़ुलामों के साथ होगा उनके लिए बायस इज़्ज़त है, ना कि इनके लिए बायस इज़्ज़त के मूसा के और पुराने नबियों के साथ हो जाए। तो ये है असल खातम नबीन की हकीकत और ये हमारा अकीदा है। अगली बात जो आपने पूछी थी वो क्या थी, दूसरा सवाल? दूसरा था कि ये इस्लाम ये प्रोक्रेसी लोग इस्तेमाल करते हैं अक्सरियत, हाँ जी, तो ये गलत बात है। लोग दूसरे जो हैं वो हमें गलत समझते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, ठीक है, या ये कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं, और इससे कोई इस्लाम की खिदमत नहीं होती। तो आपकी चूंकि एक मनज़म जमात है तो आपने इस मसले के लिए, ये बड़ा एक मसला है, कोई प्लान बनाया होगा? कोई प्लान जो है बड़ा सिंपल सादा सा है, वो इसको मानते नहीं, हिपोक्रेसी में गर्क हो जाते हैं। बात यह है मेरे नज़दीक इस्लामी तालीम वाक़ियतन आलमी है, और इस्लामी तालीम पर अमल करने से मुसलमान और किसी मुल्क की हुकूमत में तसादुम नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद तसादुम हो तो लाजिमन दुनिया की कॉन्शंस, दुनिया का ज़मीर इस्लाम को सच्चा कहेगा, उस हुकूमत को झूठा कहेगा। मसलन नमाज है, रोज़ा है, सच्चाई है, गरीब की हमदर्दी है, हज करना या इबादत के दूसरे तरीक़े रोज़े रखना वगैरह, ज़कात देना, क्या दुनिया की कोई हुकूमत है जो रोके कि तुमने ये काम नहीं करना? है कोई? नहीं, पाकिस्तान की है, अहमदियों को नहीं करने देते, जबकि खुदा ने इजाज़त नहीं दी किसी को। मैं ज़िमनन बात बता रहा हूँ, मगर
इंसानी ज़मीर कहता है पाकिस्तान की जो मर्जी करती फिरे कि ये वो हकायक हैं जिनको खुदा ने बुनियादी इंसानी हकायक करार दिया है और कोई शख्स इनसे रू गुर्दानी नहीं कर सकता ना किसी का हक के दखल दे। तो अगर ये मौलवी जब इंग्लिस्तान तशरीफ़ लाते हैं जो कहते हैं तलवार उठाओ और इनसे लड़ पड़ो या हिंदुस्तान जाते हैं तो कभी इन्होंने यहाँ आकर तलवारें उठाई हैं या हिंदुस्तान जाकर तलवारें उठाई हैं कि नहीं उठाई बताइए? नहीं उठाते। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। अकीदा वो पेश कर रहे हैं जिसमें जिससे कहते हैं कि हर गैर मुस्लिम हुकूमत से तुम्हारा तसादुम ज़रूरी है और अमल वो पेश करते हैं जो साबित करता है कि ये अकल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये इस्लामी तालीम होती तो इस्लाम आलमी हो ही नहीं सकता था। जिस मुल्क में फैलता वहीं तलवारें निकलाती और वो मामूली मामूली तादाद बड़ों से भिड़ कर वहीं ख़त्म हो जाती। मगर खुदा ने तो ये तालीम नहीं दी, अल्लाह ताला ने तो ये तालीम दी है जो तुम्हारा उलिल अमर है उसकी भी बात मानो, उस वक्त ना मानो जबकि दीन में वो तुमसे इख्तलाफ करे। समझे? कुरान करीम फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमर मिनकुम फइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही। कि देखो अल्लाह की मानो, रसूल की मानो और जो तुम में हाकिम है उसकी मानो, और अगर इख्तलाफ हो तो फिर दीन के मामले में अल्लाह और रसूल से फतवा लो, हाकिमों की बात ना मानना। फिर कैसी आलमगीर तालीम है और इसके होते हुए किसी जबर की ज़रूरत ही कोई नहीं। अमलन ये यही करते हैं, दुनिया में जहाँ रहते हैं वहाँ उनके कवानीन से भी फ़ायदा उठाते हैं, झूठ बोल के भी उठा लेते हैं, दाव पेच करके भी वो झूठे आदमी स्मगल करने की खातिर भी कस्में खा खा के फ़ायदे उठा लेते हैं। वो इस्लाम इजाज़त देता है, गैर की रोटी मांग के खाने की इजाज़त देता है, मगर साथ ये भी है कि जेब में छुरा ज़रूर रखना, दाव लग जाए तो बेशक भोंगे ना। वो इस्लाम इजाज़त देता है कि गैर मुस्लिम को कत्ल कर दो। इनका अकीदा मुनाफकाना हो गया है, मैं ये समझाना चाहता हूँ। इसलिए मुनाफकत का हल उस वक्त तक नहीं हो सकता जबकि अकीदे की मुनाफकत दूर ना की जाए और दोगलापन अकायद से ना दूर किया जाए। इस पहलू से जमात अहमदिया आलमी जद्दोजहद कर रही है, हम रसायल अखबार किताबें शाया कर रहे हैं, बयानात में ये बात कह रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जिसमें कोई दोगलापन नहीं है, इस्लाम इंसानी शराफत की हिफाजत करता है, इस्लाम मुल्क की कवानीन की कदर करता है, मुसलमानों को तालीम देता है कि कवानीन के दायरे में रहते हुए बेहतरीन नमूने दिखाओ। हाँ, अगर तुम्हारे मज़हब में कोई दखल दे तो खुदा को मानो और बंदों की बात छोड़ दो। ये तालीम जमात अहमदी हर जगह फैला रही है। मैंने एक किताब लिखी थी मज़हब के नाम पर खून, उसको आप पढ़ के देख लें, उसमें भी दलाइल के साथ इस बात को साबित किया है। तो हम तो जबर के कायल ही नहीं हैं, हम ज़बरदस्ती इसलाह कैसे कर सकते हैं? हाँ, दलाइल के ज़रिए कुरान हदीस के हवालों से शराफत के नाम पर अपीलें कर करके हम राय आमा को तब्दील करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। 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 जब नमाज मगरिब और इशा जमा होंगी, ठीक है ना, कितनी देर तक तैयार हो जाओगे तुम लोग? 10 मिनट? इतनी वजू की जगह हैं, हो सकता है सबका वजू ना हो, तो इतनी है कि 10 मिनट या 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे, हैं? 15 कर लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत।